गुड मॉर्निंग नमस्कार सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे प्यारे साथियों मैं करण चौधरी आप सबका जी एस विद करण चौधरी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं क्या मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है एक बार आवाज़ आ रही है तो एक बार ज़रा कमेंट करके बताएं क्या मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है हाँ भाई गुड मॉर्निंग हाँ जी बोलिए गुड मॉर्निंग डियर सर जी ओम प्रकाश आ गया सब के सब जुड़ जाइए भाई और एक बार जरा टेस्ट कीजिए मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप सब लोगों को क्या आप मुझे सुन पा रहे हो वॉइस क्लियर है मेरी मेरे प्यारे दोस्तों ये सारी चीजें मैं इसीलिए कर रहा हूँ आज क्योंकि हमारे YouTube चैनल की पहली क्लास है और आप सब ये जानते हैं कि तकनीकी चीजें कुछ ऐसी होती हैं कि एक आपस में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें जुड़ी होती हैं तो पता नहीं चलता कब कहाँ कौन सा फॉल्ट हो जाए मेरे प्यारे साथियों आज मैं आप सबका फिर से अपने जीएस विद करण चौधरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों जैसे आपने मुझे प्यार दिया है उसी प्यार में मैंने आपसे कुछ वादे किए थे वो वादे थे कि आपको मैंने पॉलिटी की कक्षाएं दी थी एक यूट्यूब चैनल पर और अब मैं अपनी कक्षाएँ जो हैं पॉलिटी की जो क्लासेज हैं वो यहाँ जी विद करण चौधरी पर आपको प्रोवाइड करूँगा मित्रों आज की जो हमारी क्लास होगी टॉपिक पर आते हैं जो आज की मेरी क्लास होगी वो जुडिशरी की क्लासेज हैं यूनियन जुडिशरी अब हमें न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है क्योंकि मैं पहले पार्लियामेंट तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ तो न्यायपालिका की क्लास है इसमें हम पूरी चीज़ें जानेंगे थॉरोली ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए तैयारी कर रहे हैं यू की यू की और आर की एस वगैरह के विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि हम कंटेंट का एक लेवल लेके चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है इस बोर्ड पे आपको कुछ लिखा नजर आ रहा होगा भारतीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इधर लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट लिखा नजर आ रहा है उधर आपको दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ऑफ बस्ती बस्ती एक जिला है जो उत्तर तो प्रदेश का है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी मित्रों अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो चीजों को हम बड़े ही एक ऐसे अंदाज में लेके चलेंगे आपके सामने जिससे कि आपकी सारी की सारी चीजें कैसी हो क्लियर हो सके और आप इन चीजों को समझ सकें देखो मित्रों अब ये टॉपिक क्या है टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको नजर आ रहा है यूनियन जुडिशरी भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है सबसे पहले जानना हमारे लिए जरूरी है तो ये सभी आप जानते हैं कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है इसका मतलब है कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत एक न्यायिक व्यवस्था है अगर मैं आपको कुछ यूं समझाऊं कि आप ऐसे करके देखिए तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो ऐसे करके यहाँ टॉप पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है यहाँ हमारे हाई कोर्ट्स हैं और नीचे हम बात करें तो लोअर कोर्ट कवॉर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं हमारे वहाँ पर हैं लोअर कोर्ट जिसे हम कह सकते हैं ये लोअर कोर्ट्स हैं इस प्रकार से एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है अब इस मैप को आप देखोगे इस पीपीटी को आप देखोगे तो इसमें आपको इंडियन जुडिशरी की एक झलक दिखाई पड़ेगी कैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सबसे टॉप पर है इसके नीचे ये हाई कोर्ट्स हैं और इसके नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट जो है ये सब कोर्ट्स हैं तो आपको जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में मैं थोड़ा पहले कुछ समझाता हूँ थोड़ा पहले कुछ बताता हूँ जिससे कि हम आगे बढ़ सकें यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको कुछ समझ में आ रहा है आपके कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं वॉल्यूम ठीक है भाई वॉल्यूम तेज करो भाई वॉल्यूम तेज करा दो टेक्निकल टीम प्लीज वॉल्यूम सर वॉल्यूम तेज करा दीजिए थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए अच्छा ठीक है तो मित्रों अब इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था जो है ये कैसे काम करती है और ये हमें इसे कहाँ से लिया है इन सारी चीज़ों के बारे में अब जानने का प्रयास करते हैं ये रिमोट से मैं इसको आगे बढ़ाता चलूंगा अगर ये रिमोट काम कर रहा हो तो हमारा हाँ ये देखिए इससे नेक्स्ट देखते हैं हम आइए ये है टाइप्स ऑफ कोर्ट तो सबसे पहली बात जो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा था कि भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है अब एकीकृत का मतलब मैंने आपको समझाया कि इस प्रकार से आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड है इसका मीनिंग हुआ कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे हाई कोर्ट है उसके नीचे सवॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसके नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं इसका अर्थ होता है कि अगर भारत में कोई व्यक्ति न्याय पाना चाहता है तो वो लोअर कोर्ट चला जाए सुप्रीम हाई कोर्ट चला जाए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ वो न्याय की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है सबसे टॉप की संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट है तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये परदद्यार न्यायपालिका है थोड़ा सा वॉल्यूम तेज़ कर दो थोड़ा सी क्या है परदद्यार न्यायपालिका है मतलब एक के साथ जुड़ी हुई न्यायपालिका है जबकि आप अमेरिका की बात करोगे तो जो यूनियन जुडिशरी है अमेरिका की जुडिशरी की मैं बात करूं अगर तो वहाँ फेडरल जुडिशरी है हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है एक एकीकृत है वहां क्या है कि वहां राज्यों के लिए अलग न्यायालय और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ राज्यों के लिए अलग न्यायालय नहीं है हमारे यहाँ जो है वो टॉप जुडिशरी है मध्य वाली है और लोअर जुडिशरी है तो हमारे यहाँ तीनों जुड़ी हुई हैं जबकि अमेरिका की बात करोगे तो वहां पर अलग अलग न्यायालय अब ये अंतर क्यों है ये अंतर इस बात को लेकर है कि अमेरिका का जो संघ है वहां का जो फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर है वो इंडिया से बिल्कुल अलग है हमारे यहाँ जो गे हमारे यहाँ कनाडा की तरह और उनका हमसे अलग है तो उनका हमसे अलग है उसी को देखते हुए हमारे यहाँ की न्यायिक व्यवस्था जो है वो अलग है इंटीग्रेटेड है और उनके यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है वो दोनों में अंतर आपको यहाँ देखने के लिए मित्रों मिलेगा तो पहली बात आपको ये जाननी है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है एकीकृत है भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम जो इंडिया ने फॉलो किया अब एकीकृत कैसे है तो आपको पहली वाली पीपीटी में समझ में आ गया और बखूबी आप यहां भी देख सकते हो कि टैप्स ऑफ कोर्ट दिए हुए जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा यहाँ पर इसके बाद आपको ये हाई कोर्ट नजर आ रहा है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो तीन प्रकार के कोर्टों के हमारे यहाँ सिस्टम है अब मैं इस जुडिशरी को बांटने का प्रयास करूँ आपके सामने अगर आप, आप आर्टिकल्स के माध्यम से देखोगे तो मैं हाई सुप्रीम कोर्ट की पहले बात करता हूँ तो अनुच्छेद 124 से लेके भाई ये क्या हो रहा है आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 से लेके 124 से लेके अनुच्छेद एक तक ये हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट की तो यहाँ आप साफ साफ तौर तो पर देखोगे अनुच्छेद 214 से लेके आर्टिकल 232 तक ये हम बात करते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करोगे तो अनुच्छेद 233 से लेके आर्टिकल 237 तक हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में ये क्लियर है आपको नजर आ रहा है भाई अरे ये कुछ मैं कुछ भाई चलाना सीख नहीं पाया इसको बोर्ड नया है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है तो उसके लिए मुझे माफ करना बाकी आप यहाँ चीजों को समझें तो ये हमारे जो है आर्टिकल अनुच्छेद आपको नजर आ रहे हैं जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कौन से 124 से लेकर 147 तक आपको सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलेगा आर्टिकल टू वन फोर से लेकर टू थर्टी टू तक आपको हाई कोर्ट का वर्णन मिलेगा और आर्टिकल टू थर्टी थ्री से लेकर टू थर्टी सेवन तक आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्णन मिलेगा तो ऐसे करके हम जुडिशरी को पूरा पूरा पढ़ते हैं क्लियर है ये रिमोट वही काम कहाँ गया वो रिमोट ठीक है यहां तक क्लियर हुआ अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है आइए मित्रों जरा आगे देखने का प्रयास करते हैं ये टैप्स ऑफ कोर्ट हमारे यहाँ क्लियर हो गए ये सुप्रीम कोर्ट का फोटो आपको नजर आ, आ, आप तो आ, आ रहा है ये हाई कोर्ट का फोटो आपको नजर आ रहा है और जो हाई कोर्ट के बाद आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फोटो आपको नजर आ रहा है ये तीनों प्रकार के कोर्ट के सिस्टम हमारे यहाँ आपको नजर आ रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं मित्रों चलिए जरा आगे बढ़ते हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो है अभी हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया टॉप लेवल का है अब सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ एक है लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं वो हमारे यहाँ एक नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक हो गया अब हाई कोर्ट उसके नीचे हैं तो हाई कोर्ट हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट हैं या कुछ एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हाई कोर्ट ऑफ़ केरला आपको दिख रहा है ये हाई कोर्ट ऑफ़ हिमाचल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये हाई कोर्ट ऑफ यहाँ पर कर्नाटका नज़र आ रहा है ये सारे के सारे हाई कोर्ट ऑफ यहाँ मेघालय आपको नजर आ रहा है ये सारे के सारे आपको नीचे हाई कोर्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं आइए थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ये है मित्रों चलिए अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा आपको और थॉरली सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे बड़े प्यार से कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे हुई सुप्रीम कोर्ट कैसे बना सारी चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन आप मेन मुद्दा जानने का प्रयास करो कि मैंने ये कहा कि जुडिशरी जो है भारत में है और आप सब ये जानते हैं कि न्यायपालिका हमारे लिए बहुत जरूरी होती है जरूरी क्यों होती है क्योंकि न्यायपालिका जो है ये ही न्याय देती है अगर आप बात करो व्यवस्थापिका की ठीक है मतलब अगर मैं बात करूं आपसे एग्जीक्यूटिव की बात करूं कार्यपालिका की या मैं बात करूं लेजिस्लेचर की जो आपके लिए लॉ बनाती है जो कार्यपालिका लागू करती है अगर जुडिशरी ना हो तो क्या पता कार्यपालिका कैसे नियमों को लागू करेगी और क्या पता कि विधायिका कैसे नियम बनाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो जुडिशरी का होता है आम लोगों लोगों को आप लोगों के लिए जुडिशरी जो है ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है तो पहले थोड़ा सा फीचर समझो फिर हम जुडिशरी को पढ़ेंगे कि हमारी आम जिंदगी में या हम लोगों के लिए जीवन में हमारे भारत के संविधान में इंडिया की जो जुडिशरी है उस जुडिशरी का इंपॉर्टेंस क्या है रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडिया भारत में न्यायपालिका का क्या रोल है उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास यहाँ से आप करोगे तो देखो पहला रोल की मैं बात करूं आपके सामने क्लियरली यहां पर रोल आएगा ये प्रिवेंशन ऑफ लॉ अब ये जो भाई साहब आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ये भाई साहब आपको यहाँ एक्सप्लेन बताते चलेंगे कि हमारे यहाँ पर जो है ये क्या जुडिशरी करती है पहला पढ़ते प्रिवेंशन ऑफ वॉल्यूशन ऑफ लॉ कि हमारे यहाँ जो नियम नियम है जो हमारे यहाँ लॉ है जो हमारे यहाँ कानून है उसका कोई उल्लंघन ना करे दूसरा मेकिंग ऑफ न्यू लॉज हमारे यहाँ जो नए कानूनों का निर्माण होता है या नए जो कानून हमारे यहाँ बनते हैं उन नए कानूनों का निर्माण कौन करती है हमारी जुडिशरी जो है उसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है मेकिंग ऑफ न्यू लॉज अब कैसे करती है विधायिका ने कोई नियम बनाया अगर वो नियम जो है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है या संविधान कोई भी पार्ट है मान लो फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन कर रहा है तो उसे क्या करेगी जुडिशरी उसे कैंसिल कर देगी तो जुडिशरी जब भी कभी भी जब भी कोई नया लॉ बनता है तो जुडिशियल रिव्यू की जो जुडिशरी की पावर है वो हमारी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पावर मानी जाती है मित्रों बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे बहुत सारे लॉज आप देखोगे जिनका जुडिशरी रिव्यू करती है मैं बात कर लूँ सी की इतना बड़ा मुद्दा उठा वो नियम ही है बोलो लो हाँ या ना लॉ ही है लेकिन जब वो लॉ बना सी तो लोगों ने लास्ट में क्या कहा कि जुडिशरी इसका रिव्यू करेगी अब जुडिशरी ने जब उसका रिव्यू किया सही पाया तो जुडिशरी जो होती है जब भी कोई लॉ बनता है हमेशा के लिए चला जाता है आइए मित्रों अब आगे देखते हैं <laughs> थर्ड देखते हैं डिसाइड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन अब जो संविधान के क्वेश्चन होते हैं संविधान की कोई व्याख्या कोई का प्रश्न हो गया या कभी ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं आप जब राष्ट्रपति की जैसे पावर है राष्ट्रपति को कोई भी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ या मैटर ऑफ लॉ अगर राष्ट्रपति को कंसर्न करना अकॉर्डिंग आर्टिकल 143 भारत के संविधान के अनुच्छेद सौ ये कहता है कि राष्ट्रपति को कभी भी अगर मैटर ऑफ लॉ उसको लगता है कि इसमें विधि की व्याख्या छुपी है तो पूछता है कोर्ट से पूछता है तो जब कोर्ट जो है ये बहुत सारी चीज़ों पर ऐसी चीज़ों पर प्रश्न जो होते हैं उनके आंसर आपको देता है ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करती है ये तो सीधी सी बात है कि हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो जुडिशरी के पास है मित्रों आइए आगे देखने का प्रयास करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं इसके एडवाइजरी फंक्शंस होते हैं सरकार बहुत सारी चीज़ों में एडवाइस देती है तो ये सारे के सारे जुडिशरी के हमारी के रोल होते हैं जो जुडिशरी प्ले करती है और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीक़े से प्ले करती है आइए अब एक कहानी की तरीका से मैं आगे बढ़ूंगा इसको आगे बढ़ते हुए और सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में मित्रों अब यहाँ से आपकी क्लास जो है प्रॉपर स्टार्ट होगी मेरे प्यारे साथियों इस मूवी शिक्षा प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों ये जो मूवी शिक्षा आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक हमारा एप्लीकेशन है जो अभी रिसेंटली हमारी कंपनी ने बनवाया है इस मूवी शिक्षा एप्लीकेशन पर आपको क्लासेज हमेशा मिलती रहेंगी मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ या नहीं हूँ या जहाँ भी हूँ लेकिन ये मूवी शिक्षा जो प्लेटफॉर्म है ये आपको हमेशा आपके एजुकेशन में गाइड करेगा मेरे प्यारे साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस मूवी शिक्षा प्लेटफॉर्म को आप बेहद प्यार दें और एक से एक नंबर की टॉप एजुकेशन और इंडिया के टॉप एजुकेटर यहां आपको पढ़ाएंगे वो वो क्वालिटी कंटेंट देंगे वो ऐसे ऐसे टीचर्स यहां पे पढ़ाएंगे जिनके अंदर वास्तव में प्रोडेंशियल है जिन्होंने फर्जी में एग्जाम पास नहीं किया है जिन्होंने वाकई में एग्जाम पास किया है जिनके अंदर वाकई पोटेंशियल है उनसे आपको अब मैं थोड़ा कमेंट्स पढ़ता हूं फिर मैं ये सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक आपको प्रॉपरली पढ़ाता और प्लीज टेल मी सर एकीकृत एकीकृत न्याय न्याय का 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 अर्थ अर्थ क्या है है मेरे दोस्त इंटीग्रेटेड मतलब यही है कि जो जुडिशरी में एकीकृत का अर्थ होता है कि आप नीचे से लेके ऊपर तक तो अप्रोच कर सकते हो लेकिन जो फाइनल जो होगा वो ऊपर वाले का माना जाएगा एक से एक जुड़ी हुई टॉप से बिध की जुड़ी हुई और मध्य से नीचे की जुड़ी हुई इंटीग्रेटेड का मतलब इंटीग्रेशन मतलब आपस में सारी की सारी जुड़ी हुई हैं चलो भाई अब कितना आपका लाइव चल रहा है आज कितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं हमें लाइव वॉचिंग कितनी आ रही है भाई इनकी सत्तावन की लाइव वॉचिंग आ रही फिफ्टी सेवन की अब तुम देख लो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी पर पढ़ाऊँ फ्री पढ़ाऊँ तो मुझे वॉचिंग उसी अकॉर्डिंग चाहिए जो पहले आती थी अभी तुम्हारा कर्तव्य कि तुम कैसे लेके आओगे आज मैं क्लास दूंगा फुल एनर्जी के साथ तुम्हें उसके बाद मैं कल देखता हूँ कि तुम क्या करते हो अब तुम्हारा कर्तव्य है अब एक कहानी की तरीका से आगे बढ़ो देखो आओ भैया श्रीराम करते हैं अब अपनी क्लास का मैंने आपको बताया कि उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारे यहां सुप्रीम बॉडी है जुडिशरी की हमारे यहां न्यायपालिका का सबसे बड़ी संस्था है वो कौन है वो सुप्रीम कोर्ट है इसीलिए वो सुप्रीम है उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय जब सबसे बड़ी संस्था है तो सबसे पहले हमें उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल बता दूं इसके जो क्लियरली आपको याद करने और जानने भी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 124 से मैं कर देता हूं आर्टिकल वन से लेकर अनुच्छेद जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जो हैं आर्टिकल जो हैं यह आपको ध्यान देने पड़ते हैं इसमें अनुच्छेद 124 जो है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है अब आइए आगे, आगे बढ़ते हैं कहानी के तरीका से कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कैसे आया कब आया किसने बनवाया कहां बना और क्या हुआ चलें देखते हैं सारी की सारी चीजें काम कर रहा है रिमोट आपका भी बहुत अच्छी बात है चलिए मित्रों देखिए अब यहाँ आप देखते जाना आपके नोट्स प्रॉपरली रेडी हैं बायलिंगुअल होंगे नोट्स हैं मैं यहाँ बोलते जाऊँगा और आप यहाँ से देखते जाना मैं यहाँ लिखते जाऊँगा जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होगी एक नया तरीका मैंने अपना इसको देखते हैं मित्रों भारत एक गुलाम देश था और जब गुलामी की जंजीरों में भारत देश जकड़ा हुआ था तो आप सब ये जानते हैं कि इंडिया वाज नॉट ए फ्री कंट्री लेकिन फ्री जो कंट्री नहीं है जो गुलाम देश है उन गुलाम देश के लोगों को भी अच्छा शासन देने के लिए अंग्रेजों ने कुछ प्रयास किए अच्छा शासन कैसे कुछ न्याय देने के लिए न्याय कैसे देंगे तो पहले अंग्रेजों ने अपने लिए व्यवस्था की सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय किंग जॉर्ज थर्ड ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉर्ज थर्ड जो थे और किंग जॉर्ज थर्ड ने एक वहां से चार्टर इश्यू किया जिसको बोलते हैं चार्टर ऑफ जस्टिस मैं नाम बता रहा हूं दोबारा से अब नोट कर लें आप समझ लें मैंने क्या बोला किंग जॉर्ज थर्ड किंग जॉर्ज थर्ड किंग जॉर्ज ने क्या इश्यू किया चार्टर ऑफ जस्टिस जिसे बोलते हैं न्याय का चार्टर न्याय का चार्टर ये न्याय का चार्टर इशू किया किंग जॉर्ज थर्ड ने और भारत में इस चार्टर को भेजाटी सेवन थर्टी थ्री के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से और इसी चार्टर के माध्यम से भारत में कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम जो आ, किला था फोर्ट विलियम जिसे आप जानते हैं फोर्ट विलियम में सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई अब प्रश्न यहां से अच्छा बन सकता है कि भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई तो 70, सेवनटी थर्ड के रेगुलेटिंग एक्ट से की गई बना नहीं है लेकिन प्रोविजन आया है और किसने दिया जॉर्ज थर्ड ने दिया चार्टर ऑफ जस्टिस के नाम से दिया लेकिन ये जो न्यायालय था जो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रोविजन रखा गया ये अंग्रेजों के लिए ही था अब इसकी पूरी पूरी कहानी सुनो कलकत्ता में बना फोर्ट विलियम में बना सत्रह में बना जॉर्ज थर्ड ने चार्टर ऑफ जस्टिस अब इससे आगे बढ़ो अब देखो एक कब बन के तैयार हुआ सत्रह सो में जो था इसका एक्ट आया और सत्रह में ये बनके रेडी हुआ 22 अक्टूबर सो चौहत्तर अक्टूबर सेवनटी फोर ये बनकर तैयार हुआ इसकी फंक्शनिंग जो स्टार्ट हुई इसने जो कार्य करना स्टार्ट किया वो सेवनटी फाइव में किया था अब आगे आप देखोगे तो आपको यहां नजर आएगा देखो चलिए ये तो कुछ पीछे हो रहा है इससे आगे हो रहा है हाँ बिल्कुल मैं इसको गलत तरीका से इस्तेमाल कर रहा था तो थोड़ी चीजें जो है हाँ मित्रों तो इसमें फंक्शनिंग की बात मैंसन नहीं है तो आपने बताया अब एक जनवरी एक जनवरी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन से 1977 से क्योंकि सेवनटी सेवन से क्योंकि कहा गया यार मिटता कैसे भाई साहब हाँ ऐसे मिटेगा क्या बन गया ये? चलो ठीक है देखो भाई हाँ तो मैंने क्या कहा कि सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट से आया चलो अच्छी बात है सत्रह में बनके तैयार हुआ चलो ये भी अच्छी बात है और एक आ, एक जनवरी एक जनवरी सत्रह सौ से 1775 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था ये जो सुप्रीम कोर्ट था जिसको आप बोलते हैं कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बना अब इस सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ करता था इसकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग के बारे में जाने जब शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय बना तो इसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे एक सीजीआई हुआ करते थे जिनका नाम आप सब जानते हैं लॉर्ड इलिजा एम्फे और इनके साथ तीन अदर जज हुआ करते थे तो एक बार जरा देखें कि इसमें कौन सी कौन सी चीजें थी आपको सब यहां पर लौट नजर आएगा सर इलिजा एम्फे जो थे ये प्रमुख न्यायाधीश हुआ करते थे सर इलीजा जो थे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं इनके साथ तीन अदर जो न्यायाधीश हुआ करते थे वो थे रॉबर्ट चैम्बर्स इनको मिलाकर जो था ये टोटल कितने हो जाते हैं चार हो जाते हैं मित्रों देखो नीचे लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट बिगेन फंक्शनिंग ऑन जनवरी सेवन मैंने आपको मैं सत्रह सौ पचहत्तर में इसकी जो संचालन जो था ये स्टार्ट हो गया था ये आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीका से समझना होगा अब मित्रों देखो ये सफल हुआ या असफल हुआ इसमें क्या हुआ और कौन सी कहानी आपके सामने आपको बतानी पड़ेगी अब इतिहास पढ़ोगे इतिहास से इसको जोड़ के आप देखो सत्रह सौ का रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था रेगुलेटर आपने देखा पंखे का रेगुलेटर तो पंखे का रेगुलेटर पंखे की स्पीड को रेगुलेट करता है ऐसे सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था ये कंपनी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए आया था अब कंपनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट कैसे करेगा भाई तो इसका एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया था अब हुआ कुछ यूं कि इसमें न्यायिक चीज को भी जोड़ दिया गया और एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया उसमें गलती ये हुई कि उस समय वॉरेन हेस्टिंग जो थे आप समझ गए होंगे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ करते थे अब वॉरेन हेस्टिंग साहब और लॉर्ड एलिजा एम्फे के बीच में सेटिंग हो गई अब लॉर्ड एलिजा एम्फे मेल है फीमेल नहीं है मेरी बात समझ रहे हो सेटिंग क्या हुई तो उस समय आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा केस भी आया सेटिंग हो गई मतलब यह हुआ कि जुडिशरी जो थी और कार्यपालिका जो थी ये आपस में मिलकर कार्य करने लग गई मैं इसकी कहानी आपको थोड़ी समझा रहा हूं कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और तीन न्यायाधीश थे लेकिन ये आपस में कार्य करने लग गए आपस में कार्य करने लग गए तो उसी समय आपने देखा होगा कि बेगम घसीटी चैत सिंह आपने इनके नाम सुने होंगे बेगम घसीटी को चैत सिंह को इन सबको फांसी की सजा सुना दी गई थी तो ये मामला बड़ा तूल पकड़ गया अब ये मामला जब तूल पकड़ गया तो इस जुडिशरी का ये बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ और उसी के बाद देखोगे कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 50 अब आप बात करते हो डीपीएसपी में कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी इस आर्टिकल की मैं बात करूं तो उसी समय से इसके रूट पकड़ के चलो तो चलता तो रहा सुप्रीम कोर्ट पर ये अंग्रेजों के लिए था और ये अलग तरीके से इसकी फंक्शनिंग चल रही थी आपको याद ये या रखना है कि पहले सर्वोच्च न्यायालय के कलकत्ता में बना था उसके मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड इलिजा एम्फे बड़ा अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है मित्रों आपके सामने एक अच्छा प्रश्न आपसे यहां पूछा जा सकता है इसको विशेष तौर पर आप याद रखोगे लॉर्ड इलिजा एम्फे आइए अब आगे बढ़ते हैं इन तीन जजों के नाम जॉर्ज हाइड वगैरह की आपको जानने की जरूरत नहीं है बस आप दिमाग में रखें ये नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर जीएस विद करण चौधरी जो मेरा टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिलेंगे आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का मोबाइल ऐप का वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे आइए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चलो भैया अब आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी सत्रह सौ का सर आपने पूरा चीज़ बता दी सर आप ये बताइए कि जो 1935 में जो फेडरल कोर्ट बना था जिसे आप संघीय न्यायालय के नाम से जानते हैं कि सर ये संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ये कब बना क्योंकि आपके सामने तीन प्रश्न बड़े अच्छे पूछे जाते हैं पहला प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में कब बना था तो उसका आंसर आपको मिल गया सत्रह में बन के आया था और तिहत्तर के एक्ट से आया था दूसरा पूछता है संघीय न्यायालय और हां इसका भी प्रथम जज पूछता है आपको प्रथम सीजीआई लॉर्ड एलिजा इम्फे तो आपसे इसका भी जज पूछेगा बात करते हैं फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया संघीय न्यायालय देखिए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था आपको नीचे हिंदी भी मिल जाएगी उसके द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई अब सर क्या हुआ अब ये सर दिल्ली पहुंच गया अब इसको दिल्ली पहुंचा दिया 1935 में जब भारत का संघीय मॉडल दुनिया के भारत के के दुनिया सामने आने लगा या जो ब्रिटेन सरकार ने यह कहा कि भारत को संघीय मॉडल में लेकर आते हैं संघ के रूप में भारत को लेकर आते हैं तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई संघीय न्यायालय का मतलब ऐसा हुआ कि उस न्यायालय की जो पावर थी वो उनसे ज्यादा हो गया संघीय मतलब सबके लिए संघीय संघ का न्यायालय फेडरल कोर्ट लेकिन हाँ एक बात याद रखनी होगी ये फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्योंकि इस फेडरल कोर्ट के खिलाफ आप इसकी जो लास्ट जो लास्ट जुडिशियल अपील होती थी इंडिया में वो प्रीवी काउंसिल में होती थी ब्रिटेन में जाके तो संघीय न्यायालय तो बना लेकिन ये संघीय न्यायालय जो था ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम का मतलब होता है टॉप लेवल का जो जुडिशरी के लिए आपके लिए न्याय दिलाने के लिए सर्वोच्च संस्था वो ये नहीं था क्योंकि ये फेडरल कोर्ट था और जो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य कर रहा था जो टॉप लेवल की जुडिशियल बॉडी थी वो ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल थी, तो तो संघीय संघीय न्यायालय न्यायालय बना, ये था, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं था अब 1935 में जो है एक्ट के माध्यम से आया अब इसकी स्थापना दिल्ली में की गई तो आइए जानते इसके बारे में थोड़ी सी चीजें मित्रों यहां आपको नजर आ रहा होगा देखो एक अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की दिल्ली में स्थापना हुई मतलब ये स्थापित हुआ 1937 में इसकी स्थापना हुई थी 1935 के एक्ट के माध्यम से बात समझ में आ रही है चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी फंक्शनिंग अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हुई थी देखो मित्रों पहली लाइन आपको नजर आ रही होगी मैं पहली लाइन आपको नजर दिखाता हूँ सी जी आई अपॉइंटेड वाइथ क्राउन एंड वर्ड टू होल्ड द द ऑफिस टिल एज ऑफ होल्डिसाइव ईयर ये बात एक यहाँ ध्यान देने वाली बात है पहले वाला जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था उसमें जो जजों की नियुक्ति हुआ करती थी वो क्राउन ने की थी जॉर्ज थर्ड ने की थी लेकिन वो टिल प्लेजर ऑफ क्राउन काम करते थे और अब क्या हुआ इंडियन जुडिशरी का सिस्टम देखो कैसे बदल रहा है अब जब फेडरल कोर्ट बना इंडिया में तो जजिस की जो एज थी वो टिल द एज ऑफ 65 फाइव ईयर कर दी कि पैंसठ साल तक काम करेंगे अपॉइंट कौन करेगा क्राउन करेगा हटाएगा नहीं पॉइंट समझो उंड हटाएगा नहीं अपॉइंट करेगा तो इंडियन जुडिशरी की जड़ें यहां से बन रही क्यों जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी जा रही है तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्योंकि जुडिशरी जो है वो तटस्थ होनी चाहिए किसके लिए डेमोक्रेसी के लिए, लिए। अंग्रेज तो ये चाहते नहीं थे लेकिन क्यों ऐसा किया क्यों ऐसा किया ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि हमारा जो संघीय मॉडल बना तो हम इंडिया को अंग्रेज इंडिपेंडेंस तो देना नहीं चाहते थे वो क्या चाहते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में गुड गवर्नेंस मतलब जो जो इंडिया जो हमारा गुलाम जो इंडिया है नॉट फ्री इंडिया में गुड गवर्नेंस दे दे स्टेटमेंट प्रॉपर रिलीज किया गया था आइए मैं बात करता हूं जज के बारे में जो इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने मित्रों आपको यहां पर अभी नजर आएगा चलिए देखिए सर मोरिस गोयल ये सर मोरिस गोयर जो हैं ये इस सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो फेडरल कोर्ट बना था 1937 में सर मोरिस गोयर जो थे मोरिस गोयर ये इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने तो अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे अंग्रेजों के समय पे तो आपका आंसर क्या आएगा एलिजाफे फेडरल कोर्ट के पहले जीजीआई कौन थे आपका आंसर क्या आएगा मॉरिस गुएर आएगा ये मॉरिस गुएर साहब जो थे ना बड़े फेमस आदमी थे इन्होंने ही 1935 के एक्ट को लाने में बड़ा रोल प्ले किया और इन्होंने ही ज्यूडिसरी में फेडरल कोर्ट स्थापित किया यही चाहते थे कि इंडियंस जो है उनको फ्री गवर्नमेंट तो नहीं दे सकते लेकिन उनको गुड गवर्नेंस दे सकते हैं इनका स्टेटमेंट रिलीज हुआ था 1937 में उस समय की अखबार की कटिंग है मैं दिखा रहा हूं मित्रों आप देखोगे यहां पर देखो ये साफ कह रहा था वी आर ट्राइंग टू गिव अ गुड गवर्नमेंट टू पीपल ऑफ इंडिया टू वी कैन नॉट गिव अ फ्री गवर्नमेंट जिनको हम फ्री गवर्नमेंट नहीं दे सकते उनको हम गुड गवर्नमेंट दे सकते हैं इसीलिए इसीलिए इंडियन जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी गई अब बात समझ में आ रही है तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा आपका कि मोरिश गोयेल साहब जो थे ये फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे ये बात आपको यहां याद रखनी होगी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एक्चुअली ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल वाज़ द हाईएस्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मैं आपको बताया हूं कि प्रीवी काउंसिल जो थी ब्रिटिश में वही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के लिए थी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये नहीं था फेडरल कोर्ट जो था आपको ब्रिटेन ही जाना पड़ता था उसके लिए आपको अगर इसके खिलाफ अपील करनी थी तो ये बात आपको समझनी यहाँ पर होगी ध्यान से चलिए मित्रों अब बात आती है वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की यहां तक सब कुछ क्लियर है चलिए तो आप तीन कोर्टों की कहानी सुन रहे हो कौन सी सत्रह सो तिहत्तर वाली और उन्नीस सौ पैंतीस वाली और सुप्रीम वाली। अब जो सुप्रीम है, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हो जो नई दिल्ली में है इसकी स्थापना अट्ठाईस जनवरी उन्नीस सौ पचास को की गई थी तो अब प्रश्न यहां से भी बनेगा पूछ लेगा कि सर पहले कलकत्ता वाले हाई कोर्ट के सीजीआई सर फेडरल कोर्ट के सीजीआई तो सर अब यूं भी बता दो कि सर इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में है इसके सीजीआई कौन थे तो ये आपके लिए जानने वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी मित्रों देखो ये आपको नीचे हिंदी में लिखा हुआ है चलिए आप जानते हैं इसके बारे में कि ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है आपके कमेंट्स एक बार में देख लेता हूँ जरा ठीक है पूजा जी जनवरी अट्ठाईस 1950 चलो बहुत अच्छी बात है आपके कमेंट मुझे नजर आ रहे हैं मित्रों चलिए बहुत अच्छी बात है गुड चलिए हाँ अब आगे वाली बात तो हाँ लास्ट प्रश्न बनाइए रह गया पीछे वाला कि ये सुप्रीम कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया इसके पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे हीरा लाल जे हीरा लाल जे कानिया अब इनके बारे में थोड़ी चीजें जानते हैं अब इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कोई डाउट तो नहीं है किसी को सर सच में मजा आ गया क्राउन कौन होता है क्राउन होता है ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन की रानी मेरी बात समझ रहे हो क्राउन होता है ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन की रानी उसको हम क्या कहते हैं उसको मेरे प्यारे दोस्तों हम क्राउन के नाम से जानते हैं चलो और कोई डाउट आपको और कोई डाउट यस सर ओके सर जी सर सिक्सटी वन की वॉचिंग आ रही है बस हराम खोरो बस रहने दो तुम सिक्सटी वन की वॉचिंग लेके आ हो मैं पढ़ा रहा हूं पूरी शिद्दत के साथ कल बताऊंगा बेटा तुम्हें मैं इतनी मेहनत करके तो पीपीटी बन रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं ऑन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो अब जहां से लक्ष्मीकांत शुरू होती है वहां से मैं शुरू हो रहा हूं आर्टिकल 124 से लेके कॉपी पे डालो आप वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आप पढ़ोगे तो यहाँ आप आर्टिकल 124 से लेके यहाँ आर्टिकल 147 तक की अब आपकी कहानी स्टार्ट होती है अब इस कहानी को मेरे साथ साथ चलें देखो मित्रों रिवाइज कर लो एक सेकंड के अंदर सत्रह मैंने पहले बताया उन्नीस मैंने दूसरा बताया और ये जो जो अभी हम जो उन्नीस की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने बात कर दी तीनों को याद कर लो मैंने क्या बताया एलिजा एम्फे मॉरिस गोयेर और मैंने क्या बताया हीरा लाल ये कहानियां तीनों को याद कर लो मित्रों अब कोई कंफ्यूजन इसके बीच में आपको नहीं रहना चाहिए आइए वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है इस सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे बना इसका कैसा संगठन है और अनुच्छेद 124 पर मैं आपको लेकर चलता हूं चलिए मित्रों आइए भाई देखिए पूरा स्लाइड मैं आपके सामने यहां ओपन कर देता हूं इसमें क्या-क्या है देखिए चलिए उच्चतम न्यायालय का गठन देखिए अनुच्छेद देख 124 बड़ा सुंदर आर्टिकल है सबसे पहले अनुच्छेद 124 से उच्चतम न्यायालय की शुरुआत होती है क्योंकि आर्टिकल 124 से उच्चतम न्यायालय के बारे में आप पढ़ना शुरू करते हो आर्टिकल 2124 साफ तौर पर कहता है दलवी ऑर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा ये साफ तौर पर वो कहता है अब आपको बात समझनी होगी उस आर्टिकल की जो लैंग्वेज है ना वो काफी बड़ी है क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ों का डिस्कशन किया गया उसमें यह भी बताया गया कि जजों की संख्या कितनी होगी वन ट्वेंटी फोर में जैसे राजस्थान में प्रश्न पूछा गया था बच्चों ने गलत कर दिया गया था उसमें पूछा था कि आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर के अंदर जजों की संख्या कितनी होगी और लोगों को लगा कि वर्तमान की संख्या पूछ रहा है तो अब आपको ध्यान से चीज़ों को समझना होगा मेरे साथ अब जरा आर्टिकल्स का गेम स्टार्ट होता है मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर ये पहला आर्टिकल है सर्वोच्च न्यायालय का अब ये आर्टिकल देखिए क्या कहता है ये आर्टिकल साफ तौर पर कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा ये सर्वोच्च न्यायालय कौन सा जो 28 जनवरी 1950 को बना है उसी सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो ये आपको पहला पॉइंट यहां पर क्लियर होता है साथ में लिखा है सर्वोच्च न्यायालय में कौन होगा तो नंबर ऑफ जजेस के बारे में ये आपको क्लियरली मेंशन करता है नंबर ऑफ जजेस कि जजेस की संख्या कितनी होगी तो मित्रों इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसमें साफ तौर पर मेंशन है आर्टिकल 124 ये कभी नहीं कहता कि जजों की संख्या 34 होगी ये साफ तौर पर कहता है कि जजों की संख्या जो होगी एक सीजीआई होगा और सात अदर जजेज होंगे टोटल कितने जजों की संख्या होगी आठ जजों की संख्या होगी आर्टिकल 124 ये कहता है प्रश्न क्या पूछा गया राजस्थान के एग्जाम में अनुच्छेद तो एक सौ चौबीस के अनुसार जजों की संख्या कितनी होती है तो आंसर क्या होगा आठ न कि आंसर होगा थर्टी फोर वो गलत था वो रॉन्ग था कमीशन ने भी आंसर यही सही माना आपको ध्यान से बात समझनी होगी आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर के अकॉर्डिंग जजों की संख्या कितनी है ये आठ है अब आप ध्यान से यहां देखें जरा आपको क्लियरली होगा यहाँ पे आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर ए फर्स्ट की बात कर रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सेवन अदर जजेस मेरी बात समझ लो अब इसकी लैंग्वेज आगे देखो अब मैं आपसे यूं कहूं कि भैया इतने ही रहेंगे या बढ़ जाएंगे घट जाएंगे तो आर्टिकल 124 फर्स्ट इस बात को क्लियर करता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा उसमें की संख्या आठ होगी और अगर आप यह चाहते हो कि जजेज की संख्या बढ़ाई जाए तो इसकी पावर किसको दी गई है यह भी आर्टिकल 124 फर्स्ट में साफ साफ बताया गया है अब यहां आपसे अच्छा प्रश्न बन सकता है कि भारत में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है मैं आपसे पूछ सकता हूं ऑप्शन में आपको दे सकता हूं राष्ट्रपति के पास है सर्वोच्च न्यायालय के पास है संसद के पास है या इनमें से कोई नहीं अब तो यह आंसर होता है संसद के पास है देखो एंटल पार्लियामेंट बाई लॉ साफ साफ मेंशन है इसमें संसद के पास है शक्ति है जब तक संसद नहीं बढ़ाएगा तब तक जजों की संख्या आठ ही रहेगी इस बात को आप समझने का प्रयास करें तो यह संसद के पास शक्ति है आपसे पूछ सकता है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसद को जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति दी गई है आंसर दें आप आंसर क्या होगा वन फर्स्ट इस आर्टिकल के अंदर भारत के संविधान में संसद को जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रोवाइड की गई है अब क्या संसद ने जजों की संख्या बढ़ाई तो बढ़ाई। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसने संख्या बढ़ाई जो वर्तमान में अब थर्टी फोर देखते हो एक दिन में नहीं हुई एक अब आप पूरा चार्ट देखें देखो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति और सात न्यायाधीश होंगे संसद विधि के द्वारा अधिक संख्या भेद कर सकती है भेद नहीं करती जब तक नहीं करती जब तक संसद नहीं बढ़ाती है तब तक इतनी रहेंगे या इसका दूसरा मायना निकला कि संसद इसको बढ़ा सकती है अब देखेंगे कब कब बढ़े नोट डाल रखा ये सारे नोट्स आपको तैयार नहीं करने देखो क्लियरली मैंसन है 1950 में जजों की संख्या मतलब मेरी बात समझो 1950 का मतलब हुआ जब बना तो आप कह सकते हैं कि 1956 तक जजों की संख्या आठ ही रही छप्पन में आके जजों की संख्या ग्यारह हो गई फिर ग्यारह साठ में चौदह हो गई सतहत्तर में अठारह हो गई छियासी में छब्बीस हो गई दो हजार नौ में इकतीस हो गई और वर्तमान दो हजार उन्नीस में जजों की संख्या जो बढ़ा के थर्टी फोर कर दी गई ये आपको समझने वाली बात है यहाँ पर अब प्रश्न में जो पूछा गया वो ध्यान से सुने मेरी बात प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर में सर्वोच्च न्यायालय में कितनी जजों की संख्या निश्चित की गई है हाँ जी क्लास क्या आंसर होगा आठ और अब पूछे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है आंसर क्या होगा चौतीस कथन कारण में भी पूछ सकता है सर्वोच्च न्यायालय की जजों की संख्या कथन नंबर वन अनुच्छेद चौबीस एक के अनुसार आठ निश्चित की गई है कथन नंबर टू क्या संसद जजों की संख्या को बढ़ा सकता है कथन नंबर तीन जजों की वर्तमान संख्या या पूछ लेगा दो हजार नौ में जजों की संख्या कितनी थी वर्तमान संख्या इतनी है अच्छा प्रश्न यहां से आपके लिए बन सकता है मित्रों आपको इस बात बखूबी ध्यान देना होगा बढ़िया प्रश्न से आपके पीछे बन सकता है इस बात को तीन चार महीने बाद में क्लास ले रहा हूं चार महीने का लॉकडाउन और मेरी क्लास चार महीने में घर रहा और ठीक है तो उस दौरान मैं क्लास नहीं ले पाया मेरे प्यारे मित्रों मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे भी फ्लो बनना चाहिए मुझे भी अच्छा लगने लग गया ना तो कसम खुदा की भाई जन्नत आपके कदमों में होगी अब जन्नत कौन सी तो मुझे तो सिर्फ नौकरी चाहिए और मैं तो सिर्फ पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो जन्नत का मतलब समझ जाओ नौकरी ठीक है चलो भाई अब ध्यान से समझते हैं ये क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस अब देखो मेरी बात जरा गौर से कहानी पे समझो कहानी समझो बाकी सब भूल जाओ इधर देखो इधर देखो लुक केयर मैंने क्या बोला इधर देखो रे सर्वोच्च न्यायालय ये सर्वोच्च न्यायालय मैंने कब बताया ये क्या है वट मैंने आपको सब क्लियर कर दिया ये क्या है ये मैंने बता दिया ये क्यों है अब थर्ड पॉइंट हाउ ये कैसे बना तो मैं क्लियरली बता चुका हूं आपको कि कैसे बना इसका क्या इतिहास रहा है आपको मैंने क्लियरली बता दिया और अब ये कहां है वेयर अभी कहां है आपको मैंने क्लियरली बता दिया इसमें क्या है यह भी आपको मैंने बता दिया अब बात समझने वाली है मेरे प्यारे दोस्त कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या निश्चित हो गई लेकिन जज इसमें बनेगा कौन कौन बनेगा करोड़पति क्या मैं बन सकता हूं जज क्या तुम बन सकते हो जज तो कौन बनेगा जज और कौन बनेगा जज यह बड़ा मुद्दा है कौन बनाएगा जज यह बड़ा मुद्दा है समझ रहे हो कौन बनाएगा और कौन बनेगा ये बड़ी कहानी है इसमें कई सारे केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं कई सारे इसमें में आपको मैं पढ़ाऊंगा केस वन केस टू केस थ्री केस फोर जो क्या चारों जुडिशरी केस नंबर वन केस नंबर टू केस नंबर थ्री केस नंबर फोर सारी कहानी देखेंगे आओ मेरे साथ जरा देखते हैं कि कौन बनेगा जज तो ध्यान से समझे कौन बनेगा करोड़पति मेरे प्यारे बच्चे कौन बनेगा जज तो कौन बनेगा जज तो भैया जुडिशरी जो है टॉप लेवल की संस्था है अब कोई ऐसा आदमी तो जज नहीं बन सकता बाबा छेदी लाल तो नहीं बन सकता जो कि ऐसे न्याय दे दे तो कुछ क्वालिफिकेशन होंगी अब इसको पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना ये समझो कि ये ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके लिए बनता है यहाँ पर सॉलिड प्रश्न है ध्यान से सुना है एक से एक जरा क्वालिफिकेशन देखते चलें और समझते चलें तो जजों की जो क्वालिफिकेशन है सर्वोच्च न्यायालय के जजों की जो अहरता है वो अनुच्छेद 124 सौ तीन में मेंशन है आर्टिकल 124 ट्वेंटी थ्री में यहां 124 लिखा है यहाँ थ्री लिख लें आर्टिकल 124 ट्वेंटी थ्री में क्योंकि पहली बार हमने किसी को अपॉइंट किया है टीपीटी बनाने के लिए तो आर्टिकल वन ट्वेंटी में मैंसन है जजों की योग्यताओं के बारे में बात की गई है अब जजों की योग्यता क्या होंगी ये जजों की योग्यता कौन से जजों की बात कर रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी कि वो सिर्फ चौंतीस ही तो है पूरे ओनली थर्टी फोर कैसे बने ध्यान से सुनो पहली क्वालिफिकेशन क्या पहली क्वालिफिकेशन ये होती है कि कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा वो किसी भी हाई कोर्ट में मिनिमम पांच साल तक जज रहा हो मैंने क्या कहा किसी भी हाई कोर्ट में मिनिमम पांच साल तक जज रहा हो ये पहली मतलब ये तो समझ ही जाओ भारत का नागरिक होना चाहिए तो तुम्हें जान नहीं जानना है ऑफ इंडिया ये तो समझ नहीं समझना है आपको जो बता रहा हूँ उस पर जरा ध्यान दो मैंने क्या बताया वो किसी भी हाई कोर्ट में पांच साल तक न्यायाधीश रहना चाहिए वो किसी भी हाई कोर्ट में पांच साल तक एटलीस्ट न्यायाधीश रहा हो ये बात आपको यहाँ ध्यान देनी होगी किसी भी हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो बनते हैं वो ज्यादातर हाई कोर्ट से ही जाते हैं लखनऊ हाई कोर्ट में रहो मैंने शुरुआत में आपको फोटो दिखाए थे कोर्ट्स के चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो मतलब अलाहाबाद यूपी के हाई कोर्ट में रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में रहा हो वो पांच साल तक जज रहा हो ये पहली क्वालिफिकेशन अब ये दो क्वालिफिकेशन है अब आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर थ्री की मैं बात करूं यहाँ बच्चे प्रश्न बड़ा भयंकर गलत तरीके से गलत करते हैं आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर थर्ड सिर्फ जजों की दो ही क्वालिफिकेशन बताता है तीन चार पांच छः नहीं है सिर्फ दो ही क्वालिफिकेशन है जजेस की पहला वो भारत का नागरिक रहा हो और दूसरी ये क्वालिफिकेशन अब इस क्वालिफिकेशन के आपको ऑप्शन मिलेंगे लेकिन एक बार प्रश्न पूछा गया है मित्रों, एक बार कि आर्टिकल गया है यूपी थ्री के अकॉर्डिंग जजों की कितनी क्वालिफिकेशन है दो तीन चार पांच तो क्वालिफिकेशन सिर्फ दो है भारत का नागरिक होना चाहिए पहली क्वालिफिकेशन अब दूसरी ये है अब इसमें और और लगाए हिंदी वाला और नहीं इसमें इंग्लिश वाला और लगाए इसका मतलब हो गया या तो सेकंड वाली जो क्वालिफिकेशन है इसको हम या में देखते हैं या तो वो पांच साल तक जज रहा मतलब किसी भी हाईकोर्ट में जज रहा हो या वो किसी भी हाईकोर्ट में दस साल तक वकील रहा हो साफ तौर तो पर मेंशन है तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों गौर से समझना मेरी बात को गलती नहीं करनी है यही तो का जादू है पढ़ाना तो बहुत आसान है यहां देखो मैंने क्या बोला आपको मैंने आपको बोला कि सेकंड क्वालिफिकेशन तो सिर्फ क्वालिफिकेशन तो दो ही है तो दूसरी वाली याद चल रहा है दस साल तक एडवोकेट रहा हो दस साल तक वकील रहा हो वो भी क्या बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है समझने वाली बात है मेरे प्यारे साथी बात यहां तक समझ में आ गई आ रहा है मजा नहीं आ रहा है बस ये बता दो कल वॉचिंग के अकॉर्डिंग बताऊंगा तुमने क्या सीखा अब और देखो अब और देखने का मतलब है कि दूसरी वाली क्वालिफिकेशन का फिर से यह आ रहा है उसी का फिर से यह आ रहा है ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट वो राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो ये भी क्या है ये भी दूसरे का यह वाला पॉइंट है तो ये तीन जो पॉइंट है अब बच्चों को क्या नजर लगता है बच्चों की हमसे भी गलती हो जाती है लोगों को लगता है आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर थ्री में क्वालिफिकेशन कई सारी हैं सिर्फ दो ही क्वालिफिकेशन है जजों की मिनिमम एज का जिक्र यहां पर बिल्कुल नहीं किया गया है कि कोई भी जज बनने के लिए उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए इसका जिक्र यहां पर बिल्कुल भी नहीं किया गया है यहां पर सिर्फ दो क्वालिफिकेशन का जिक्र किया गया है अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए या तो आप दस साल तक वकील रहे या आप पांच साल तक जज रहे हो या राष्ट्रपति को लगता हो कि आप पारंगत विधि बेतता है तब आप सुप्रीम कोर्ट के लिए आपके रास्ते खुल सकते हैं भारत के नागरिक तो आप हो नहीं होने चाहिए ये बात आपको यहाँ समझनी होगी कमेंट आपके दिखाई दे रहे हैं की की आ रही है है क्राउन कौन होता है? मेरी कड़ी बेजती करा रहे हो आजकल तो पॉलिटी लड़के बनाने लग रहे हैं यूट्यूब पर तो उनकी वॉचिंग तीन तीन हजार आ रही है ध्यान से सुनो चलो आगे देखो अब जरा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं तो अब एक मच में विचार आएगा कि भाई मेरा रिश्तेदार और राष्ट्रपति तो मुझे जज बना देगा क्या तो मेरी बात जरा ध्यान से सुने आज तक भारत के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को इस पॉइंट के आधार पर ये जो पॉइंट मेंशन है इस पॉइंट के आधार पर आज तक भारत में किसी व्यक्ति को जज नहीं बनाया गया ये बात जरा ध्यान से समझ लें इस पॉइंट के आधार पर भारत में किसी भी व्यक्ति को आज तक जज नहीं बनाया गया है ये जो ये जो विधिवे वाला पॉइंट है अब जो लास्ट वाला पॉइंट था कि वो वकील तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कोर्ट में वकील रहे और जाके सुप्रीम कोर्ट में जज बने मैं उन एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं कि जो कोर्ट में वकील रहे और जाके जज बने क्योंकि भाई ये क्या हो सकता है इस पर क्वेश्चन मार्क उठ सकता था कि कोई वकील रहा जज बन कैसे गया तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इन एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ दो में हमारी जुडिशरी में जज बनी आप सब जानते हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी जो हैं ये पहली एडवोकेट थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा वैसे एडवोकेट रिकॉर्ड रही उन्होंने एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज उन्होंने एक्वायर की थी तो बड़ी लेवल की वकील थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा जस्टिस इंदु मल्होत्रा पहली वो एडवोकेट रही जो सुप्रीम कोर्ट में जाके लॉयर बनी मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर से जज बनी पहली महिला वकील जस्टिस इंदु मल्होत्रा पहली महिला वकील मेरी बात ध्यान से सुनना और आप बात करो कि पहला वकील कौन बना पहली महिला तो इंदु मल्होत्रा बनी जस्टिस एस एम सिकरी जस्टिस एस एम सिकरी साहब ये आपको सीधा सीधा मेंशन है जस्टिस एस एम सिक्री साहब जो थे ये पहले व्यक्ति रहे जो सुप्रीम कोर्ट में ऊपर भी नीचे पीछे मेंशन कर देता जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने एक लॉयर होने से वैसे कई सारे एग्जाम्पल आते हैं तो पहला अगर आपसे पूछ ले अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है एक ऐसे न्यायाधीश का नाम बताएं जो पहले वकील था और वकील से जज बना ये ऐसे पूछ सकता है कि भारत के प्रथम एडवोकेट जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने आंसर क्या होगा जस्टि जस्टिस एस एम ये चौहड़ बने थे पहले आपसे पूछ ले कि भारत की पहली महिला एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी आपका आंसर होगा जस्टिस इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में अब तक सिर्फ आठ महिलाएं जज रही हैं वर्तमान में आप देखोगे प्रेजेंट में तो सुप्रीम कोर्ट में तीन लेडी जजेस सिटिंग बेंच में अभी तीन जो लेडी जजेस हैं वो अभी सिटिंग में है मतलब तीन महिला जो हैं वर्तमान में ये अभी कौन है जज है अब यह कंफ्यूजन नहीं होना है आप ये मत समझना फातमा बीवी की बात कर रहा हूं मैं फातमा बीवी पहली महिला थी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली मेरी बातों को जरा ध्यान से सुने पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली फातिमा बीबी थी पहली वकील महिला जो जज बनी वो इंदु मल्होत्रा थी मेरी बातों को ध्यान से सुने पहले वकील जो जज बने वो जस्टिस एस एम सिकरी थे पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो जहरीलाल जेकानिया मैंने आपको अलग बता दिया तो ये फैक्ट हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और राजस्थान के एग्जाम्स में तो फैक्ट जबरदस्त पूछे जाते हैं और फैक्टों से ही कॉन्सेप्ट बनता है ठीक है जब फैक्टों को जोड़ोगे तो कॉन्सेप्ट खुद ही निकल के आता है क्योंकि कथन कारण के जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी सॉल्व नहीं होते इस आधार कि आपको कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया अब न्यायाधीशों की नियुक्ति पे हम आ गए तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये भी आप यहाँ पर समझ लेंगे तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई क्लियर हो गया कितनी है तीन जो हैं लेडी जो हैं इस समय जजेज हैं और आठ टोटल जज बने हैं कोई किसी को डाउट तो नहीं है भाई मैं एक बार देख लेता हूँ सर क्राउन कौन होता है भाई क्राउन राजा या रानी हाँ सर आ गया समझ में सर आ, भानुमती जी पूछ रहे हैं कोई मुझसे कि सर भानुमति जी जो हैं ये जो है रिटायर हुई हैं या नहीं रिटायर हुई हैं अच्छा प्रश्न है मित्रों आपको यहां रह रखना होगा अभी तीन है इस समय आर भानुमति की मैं बात करूं तो आर भानुमति भी कमेंट पढ़ रहा हूं आपका मैं आर भानुमति इंदिरा बैनर्जी और इंदु मल्होत्रा ये तीनों जो हैं ये वर्तमान में भी जजेस हैं ठीक है चलिए अब कल से इस कमेंट के सेक्शन को हम इधर इधर रखेंगे थोड़ा है ये तीनों वर्तमान में ही हैं अभी इंदु मल्होत्रा जी भी हैं भानुमति भी जी हैं और इंद्र बैनर्जी भी जी हैं तीन अभी हैं जी जजेस वहां पर चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं अब ये जज कौन बन सकता है ये आपकी क्वालिफिकेशन प्रॉपरली क्लियर हो गई इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आप जज बन सकते हो नहीं बन सकते हो क्लियर हो गया कोई किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ ले जज कौन बन सकता है एज की डिसाइड नहीं किया क्वालिफिकेशन क्लियर ले सिर्फ दो क्वालिफिकेशन है आर्टिकल वन ट्वेंटी इसके बारे में बात करते चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब नेक्स्ट प्रश्न है अपॉइंटमेंट ऑफ दी जजेस जजों की नियुक्ति कौन करता है फिर से समझे मेरे साथ जरा कहानी को जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बॉय देखो ध्यान से अब ये जो था इसमें कौन बनेगा जज कौन बनेगा करोड़पति अब प्रश्न आता है कि कौन बनेगा ये तय हो गया कौन बनेगा ये तय हो गया या हमने तय कर लिया कि कौन बनेगा हमने फिल्टर लगाया और छान लिया कि कौन बनेगा कौन बनेगा और फिल्टर क्या था मित्रों क्वालिफिकेशन तो? फिल्टर था हमने आर्टिकल 1243 लगाया और समझ गए कि कौन बनेगा जज अब जैसे ही आर्टिकल 1243 की छलनी लगाई तो छलके जो निकले अब उन्हें जज बनाना है तो आर्टिकल 1242 का काम स्टार्ट होता है कि जो जज क्वालिफिकेशन को निकल के आए, उसको कौन अपॉइंटमेंट करेगा की? लेवल का इस पे विवाद रहा और सबसे बेहतरीन प्रश्न से बनता है जुडिसरी का मेन्स में भी और प्रीलिम्स में भी जबरदस्त अप्रोच प्रश्न यहां से बनता है जस्ट ट्राई टू तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ठीक है गैस चलिए आगे बढ़ते सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई देखो देखो समझो जरा लिखा हुआ है यही गलत लिखा हुआ है मैं इसको सही कर देता हूं द सुप्रीम कोर्ट यहाँ साफ साफ इस लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये साफ तौर पर आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर टू ये कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालयों की जजों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा अब बात यही खत्म नहीं होती हमने संविधान को पढ़ना है तो हमने आर्टिकल्स को पढ़ना है और जब आर्टिकल्स को पढ़ना है तो उनको हमें पॉइंट 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 पढ़ना है अब सर्वोच्च न्यायालय के जजों की, की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा बात तो क्लियर है कि क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी जज बना देगा या उसमें कुछ और क्लॉजेस जुड़े हुए हैं एक बार ध्यान से देखने का प्रयास करें कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा हिंदी में भी क्लियर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है अब एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साफ साफ तौर पर प्रश्न यहाँ से बनता है या वनडे एग्जाम स्कीम है कि भारत के, के सर्वोच्च न्यायालय की जजों की नियुक्ति कौन करता है तो आंसर आता है आपका जज सर्वोच्च न्यायालय के जजों की, की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है इसको तो क्लियरली आंसर है अगर थोड़ा अच्छा एग्जाम होगा तो पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है यहाँ आपका आंसर होगा आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर टू अब देखते हैं कि क्या यह राष्ट्रपति की पूर्ण पावर है कि जजों की नियुक्ति कर सकता है या उसे किसी से भी लेनी 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 है। और लेनी है तो किससे तो कि सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट इफ यू डीम नेस, टू नेसेसरी अगर उसको लगता है तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के जजों के साथ भी क्या करेगा यहां पर कंसल्टेशन करेगा आइए इस बात को जरा ध्यान से समझते हैं। यहीं से दो तीन से कंसल्ट करेगा। अब यहां बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद एक सौ के अनुसार राष्ट्रपति जो है जजों की नियुक्ति करता है परामर्श करने पर तो प्रश्न बनता है किससे परामर्श करने पर तो पहला चीज है लैंग्वेज आप पढ़ोगे मित्रों तो लैंग्वेज में आपको दूसरे नंबर पर नजर आएगा ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट थर्ड नंबर पर नजर आएगा कंसल्टेशन में सीजीआई तो पहली चीज है कि वो क्या करेगा कंसल्टेशन करेगा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ अब आपके मन में एक विचार आएगा यहां पर कि सर वो हाई कोर्ट के जजों के साथ क्यों परामर्श कर, कर रहे हैं उसको जज नियुक्त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कभी कभी प्रश्न यहां से पूछता है और प्रश्न में क्या करेगा कि वो कहता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर सेकेंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद द कंसल्टेशन विद ऑफ सीजीआई एंड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहां ये गलत हो जाता है जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ ही मस्ट ही हैव टू कंसल्ट विद द जजेज ऑफ हाई कोर्ट ऑल्सो

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ लिख दिया है कि वो आवश्यक समझे तो परामर्श करे लेकिन कंपलसरी है कि वो सीजीआई के साथ परामर्श करेगा ही करेगा ये ऑब्लिगेटरी मैटर है ये ऑब्लिगेटरी है इसमें परामर्श करना ही करना पड़ेगा जब भी सीजी, जब भी राष्ट्रपति जो है ये जजों की नियुक्ति करता है तो उसको चीफ सी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उसके साथ परामर्श करना अति आवश्यक है क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी है आर्टिकल 124 ट्वेंटी सेकंड की लैंग्वेज जब पढ़ोगे तो साफ तौर पर मेंशन है कि ये जो है राष्ट्रपति का सीजीआई के साथ करना कंसल्टेशन ये बाध्यकारी है. है लेकिन मित्रों अब क्या राष्ट्रपति का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ ये जो करना है सलाह करना क्या ये बाध्यकारी है तो यही क्वेश्चन बनता है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द लॉ यही बात आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की यही संविधान की व्याख्या छुपी है यही मेन मामला आपके सामने आएगा और यहीं से क्लास का असली रिदम स्टार्ट होता है पॉलिटी के जुडिशरी की क्लास का यहीं से मेंस के प्रश्न आपके बीच में बनेंगे अब ये क्या है भाई ये है क्या अब मेरा फ्लो भी धीरे-धीरे बन रहा है तो जो लोग इस क्लास को बाद में देखें सो आई रिक्वेस्ट टू यू पीपल सीगेट आराम से देखें ठीक है आइए ध्यान से देखते हैं अब ये समझे अब यहाँ क्लॉज दे दिया ही मेड डीम्ड नेसेसरी और यहाँ दे दिया बाध्यकारी है अब इसी बात को लेकर विवाद हुआ इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हुई इसी बात को लेकर मामला यहाँ पर बन गया राष्ट्रपति साहब जब जज की नियुक्ति करेंगे तो सीजीआई से पूछ लेते हैं अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछे ना पूछे अब भाई जरूरी तो नहीं था अब यहां से मामला बना लैंग्वेज आप ज आपसे समझना क्वेश्चन ऐसे बनेंगे एग्जाम में जो प्रीलिम्स के एग्जाम उसमें ऐसे प्रश्न बनेगा डायरेक्टली किस किस के साथ सलाह करता है आप ध्यान से समझ लेना इन इन के साथ सलाह करता है कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए हाई कोर्ट को मत भूल जाना इस हाई कोर्ट को पहले लिखा है मैंने सुप्रीम कोर्ट से इसीलिए ठीक है थीके? याद रखना इस बात को चलिए अब यहाँ से मामला बना तो यहाँ से कंट्रोवर्सी पैदा हुई कंट्रोवर्सी पैदा हुई ये फातिमा बीवी के बारे में बताया गया है ये यहाँ स्लाइड आपको बीच में दिख रहा है ये आपको नोट्स में मिल जाएगा टोटल जो आठ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो महिला रही हैं उसमें से आपको बताया गया कि तीन प्रेजेंट ये हैं चलिए हम विवाद की बात करते हैं हम बात करते हैं विवाद की यहीं से कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होने ये लग गया कि राष्ट्रपति साहब जजों की नियुक्ति करने लग गए मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके करने लग गए और कुछ कुछ मामलों में क्या हुआ कि हाई कोर्ट और जजेस के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इग्नोर मार दिया अब ये बात यह हुई कि यहां से पूरा का पूरा भानुमती का पिटारा खुल गया था हुआ कुछ यूं अब आप जरा इतिहास की क्लास पर वापस जाओ और यह जानने का प्रयास करो कि आप सबने केशवानंद भारती केस के बारे में सुना होगा केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था केशवानंद भारती केस में एक बड़ा ही यहाँ पे क्लॉज एक फॉल्ट निकल के आ गया एक कुछ जजे ने सरकार को साथ दिया कुछ ने सरकार का साथ नहीं दिया जिन जजेज ने सरकार का साथ नहीं दिया था आप ये जानते हैं उन जजेस को सुपरसीड कर दिया गया और जो नीचे वाले जजेस थे जो नीचे वाले जजेस 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 थे थे जो नीचे वाले इन को डायरेक्टली प्रमोट कर दिया गया आप यह जानते हैं जस्टिस अजीत नाथ रे की मैं बात कर रहा हूं जस्टिस अजीत नाथ रे को डायरेक्टली प्रमोट कर दिया गया जुडिशरी को क्या हुआ यहां जुडिशरी के साथ इंटरफेरेंस कर दिया न्यायपालिका के साथ कार्यपालिका ने हस्तक्षेप कर दिया

आपको बताऊंगा उस केस के बारे में भी आपको यहाँ मेंशन है मैं उस केस के बारे में भी बताऊंगा आपको थोड़ा सा आगे चल के अब केस हुआ अब केस हुआ तो केस क्या हुआ मित्रों उस केस के बारे में यही सुन लो मैं बता देता हूँ पहले ही आपको केस ये हुआ कि कुछ लोगों को एमरजेंसी के टाइम में जेल में बंद किया गया तो अब जब जेलें बंद किया गया तो कुछ जजेस ने कहा कि हेवीएस कॉर्पस का उल्लंघन है हैवीएस कॉर्पस हमारी रिट होती है आप सब ये जानते हैं कि भारत के संविधान में जो रिट प्रोविजन दिए गए आर्टिकल 32 में जो पांच रिटे हैं उसमें एक रिट है कॉर्पस जिसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्ति को जब जेल में रखा जाएगा तो उसे न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए चौबीस घंटे के अंतर्गत अब हैवियस्ट कॉर्पस का उल्लंघन हुआ कुछ जजेज ने यह कहा यहाँ पर कि उल्लंघन है जस्टिस एच आर खन्ना ने कहा कि उल्लंघन है कॉर्पस का और 1977 में क्या किया गया फिर से फिर से एच आर खन्ना जी को भी यहां पर प्रमोट नहीं किया गया तो यहां जुडिसरी का तो बड़ा प्रेशर सा क्रिएट हो गया था जब तो जुडिसरी पर बड़ा प्रेशर सा क्रिएट होने लग गया आप समझने का प्रयास करें आप मेरी बात जरा ध्यान से देखने का प्रयास करें मैंने आपसे क्या कहा देखो चीजों को ना मूल रूप से जोड़ो मित्रों मूल रूप से जोड़ो देखो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है ना मेन ये है कि हमें जो जुडिशरी है हमारी जो न्यायपालिका है ये न्यायपालिका इस न्यायपालिका को हमें संतुलन करती है कार्यपालिका और हमारी जो विधायिका के दोनों के बीच में लेकिन इसीलिए सब लोग ये जानते थे कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के साथ हमेशा हस्तक्षेप करती है मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट के समय पे जब वॉरेन एस्टिंग ने लॉर्ड एलिजा एम्फे के साथ हस्तक्षेप पैदा कर दिया था लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था तो अब उसी बात का उसका ही आपको दिखेगा कि भारत के, के संविधान में आर्टिकल फिफ्टी बना दिया गया लेकिन अब क्या हुआ जब न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट जो है ये अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है ये अपॉइंटमेंट कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आप सब ये जानते हैं कि अनुच्छेद त्रेपन साफ तौर पर ये कहता है मैं बात करूं आर्टिकल 53 थ्री की साफ देखो हाँ तो ये साफ तौर पर क्या कहता है आर्टिकल फिफ्टी कि प्रेसिडेंट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है अरे हाँ ना और राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वही राष्ट्रपति न्यायपालिका के जज की नियुक्ति कर रहा है और कंसल्टेशन करेगा कि नहीं करेगा जरूरी नहीं है और कभी कभी क्या हो रहा है किसी को यहाँ ट्रांसफर किसी को यहाँ ट्रांसफर अब मुझे बात बताओ क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रही अरे बोलो हाँ या ना अरे बोलो रही क्या नहीं रही ना इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफ नहीं नहीं रही अब नहीं रही अब तो तो ये हमारे तो संविधान की की मौलिक भावना है भाई 1973 के केस, बनंद भारती केस में ढांचे बात करी और मूलभूत अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है और उसका उल्लंघन कर दिया तो अब इसी बात को लेकर एक केस आया पहला केस आया जिसे फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं जिसे प्रथम न्यायाधीश केस के नाम से जानते हैं फर्स्ट केस, केस का है महत्वपूर्ण केस है इस केस की के थ्योरी जरा आप समझने का मेरे साथ प्रयास करें एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार केस मेरे प्यारे बच्चे क्या रहा जोरदार केस था हुआ कुछ यूं कि कुछ जजेस का जब ट्रांसफर किया जा रहा था कुछ हाई कोर्ट के जजेस का कुछ हाई कोर्ट के जजेस का हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में ही दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया अब ट्रांसफर कर दिया गया इसी बात को लेकर एसपी गुप्ता साहब जो है वो कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट पहुंच गए तो कोर्ट ने ऑलरेडी कोर्ट परेशान था तो कोर्ट ने 1982 एट्टी टू में इस मामले को गहराई से लिया और गहराई से लिया और यहीं पर प्रश्न उठ के आया कि जो आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर की मैंने अभी आपसे सामने जो बात की थी इसी में जो कंसल्टेशन जो वर्ड है मेरी बात जरा ध्यान से सुने जो कंसल्टेशन वर्ड है इस परामर्श शब्द की व्याख्या के लिए यहां पर इस केस में पूरी की पूरी बात यहां पर उठाई गई कि जो परामर्श नाम का जो शब्द है एक कंसल्टेशन नाम का जो शब्द है इस शब्द के मामले में पूरी बात यहां पर उठाई गई एस गुप्ता केस में अब एसपी गुप्ता केस में उठाई गई भाई सब बात अब इस केस में ये हुआ कि जुडिशरी ने इसमें डिसीजन दिया और जुडिशरी ने ये कह दिया कि जो ये जो ये जो परामर्श नाम का शब्द है ये जस्ट क्या है कि राष्ट्रपति को उनसे सहमति लेनी है तो जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है विचारों का आदान प्रदान है मेरी बात जरा ध्यान से समझें उसने ये कह दिया कि ट्रांसफर करना गलत नहीं है ये विचारों का आदान प्रदान है विचारों का आदान प्रदान की बात करता है कोई ये कोई बाध्यकारी फीचर नहीं है जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यू की बात करता है तो ये केस एक तरीका से बेकारी हो गया मतलब जिसके लिए केस हुआ कि इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव को और जजों का जो ट्रांसफर हो रहा है इसमें सलाहकारी बात कही गई है तो जो परामर्श करने वाली जो बात है ये बाध्यकारी है या नहीं है लेकिन जुडिशरी ने कह दिया कि इट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यूज ये सिर्फ विचारों का आदान प्रदान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां सरकार साफ साफ बच गई अब सरकार साफ साफ बच गई तो सरकार साफ साफ निकल गई इसी केस को बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस इसी केस को बोलते हैं पहला केस फर्स केस फर्स्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है यूजीसी नेट के पेपर में पूछा था मैच ऑफ फॉलोइंग फर्स्ट दर्स्टेज लिखा हुआ था और उसके सामने मामला लिखा था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ तो आपको मैच ऑफ आप तो के जजेस केस यही है केस। लेकिन सॉल्यूशन तो नहीं फाइंडिंग सॉल्यूशन और अर्थ तो नहीं निकला और सोल्यूशन तो नहीं मिला दूसरा केस हुआ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाला केस हुआ अब दूसरा केस हुआ तो दूसरे केस का जरा जानने का मेरे साथ प्रयास करें सेकेंड केस की बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया अब सुनो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं ना इसमें जो टॉप जजेज होते हैं उनको एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड कहते हैं तो उनकी यूनियन एक और उस यूनियन ने केस किया 1993 में उस यूनियन ने केस किया 1993 में और उस यूनियन ने यह कहा कि एक बात बताओ अगर आप ये कहते हो कि राष्ट्रपति का कंसल्ट करना जस्ट एक्शन जो व्यूज है तो फिर यह बताओ कि इंडिया के सुप्रीम मतलब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 टू में यह लैंग्वेज क्यों लिखी गई है आपने बात लिखी क्यों अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखो इंटरप्रिटेशन क्या कहती है संविधान की व्याख्या ये कहती है कि संविधान के उन्होंने जब जब सोची थी उसी बात को लेते हुए यहां पर इंटरप्रिटेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि बात बताओ अगर राष्ट्रपति से का उनसे सलाह लेना जरूरी नहीं है तो ये ने इस बात को मेंशन क्यों किया था इसकी जरूरत क्या थी वाली बात, है यार, सोचने वाली बात है तब इस केस में ही मेन मसला निकल के आया और इस केस में मसला निकल के ये आया कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति को चीफ सीजीआई जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, सी जी आई से और सी जी आई के अलावा दो अन्य न्यायाधीश के साथ यहाँ पर विचार करना पड़ेगा और यहीं से इसी को आप बोलते हैं कॉलेजियम व्यवस्था इसी को बोलने लग गए कॉलेजियम और इसी केस के माध्यम से वर्थ हो गई किसकी कॉलेजियम सिस्टम की तो प्रश्न यहाँ पर बड़ा अच्छा बनता है जो आप कॉलेजियम कॉलेजियम करते रहते हो कि कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत कौन सी सन में हुई थी या कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत किस केस के माध्यम से की गई थी द बर्थ ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम ये आप जो जानते हो कॉलेजियम जिसे कहते हैं ये जो कॉलेजियम है इसकी शुरुआत इस सेकंड जजिस केस से हुई थी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड 1993 ये केस इसीलिए यहां पर महत्वपूर्ण है अब इसे प्रोविजन क्या कर दिया अब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें लाइन में मेंशन है प्रोविजन क्या कर दिया प्रोविजन ये कर दिया कि सीजीआई से कंसल्ट करेगा और दो अदर जज से कंसल्ट करेगा इन तीनों को मिला के एक हो गया तो यहां से की बर्थ हो गई यहां से की शुरुआत हो गई अब भाई साहब आप ये जान सकते हैं कि सरकार को कितना बुरा लगा होगा ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की फाइट है ना ये चलती रहती है वर्तमान में आपने देखा विकास दुबे खल्लास कर दिया गया तो जुडिशरी का जो काम था वो एग्जीक्यूटिव ने कर दिया तो अब ये जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की लड़ाई विवाद जो लोग कहते हैं डिबेट चलती रहती है कि जुडिशरी क्या कर रही है रोल ऑफ द जुडिशरी मैंने पहली जो डिस्कस किया वो रोल ऑफ द जुडिशरी डिस्कस किया कि कार न्यायपालिका का रोल क्या है तो रोल ऑफ द जुडिशरी जो थी वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या हुआ रोल ऑफ द जुडिशरी जैसे ही बढ़ता है तो एग्जीक्यूटिव को मिर्ची लगती है अब मिर्ची लगी रहे हाँ भाई मजा आ रहा है ठीक है सर सिर्फ एक तो दस्तक ही हुए हैं इस डाउट है इस डाउट को दूर करें सर कौन सा डाउट है अनुज कुमार अच्छा सर अनुज कुमार टेंशन मतलब बेटा टेंशन कहाँ ही ले रहे हो अब सारे डाउट दूर हो जाएंगे पॉलिटी में कौन डाउट नहीं बचेगा ठीक है अब देखो जो पाँच वाला है कॉलेजियम उसको मैं बता रहा हूँ वो थर्ड जजेज केस से निकल के आया कॉलेजियम सेकंड जजेज केस का कॉलेजियम यही था आपने जहां भी पढ़ा यही कॉलेजियम था अब, का से गया। अब न्यायपालिका, को से को लगी। न्यायपालिका चाहती है कि हम डिस्कस करके बताएंगे और आप उसको नाम भेजेंगे और उसको जिसको नाम देंगे प्रेसिडेंट को उसको प्रेसिडेंट को जो है जज नियुक्त करना पड़ेगा यह मामला ऐसे चलता रहा चलता रहा 1998 की बात है सरकार आ गई अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या नारायण साहब राष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय के और इसी समय के आर नारायण साहब की तरफ से राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि राष्ट्रपति कभी भी जो मैटर ऑफ द फैक्ट लॉ होता है उसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है प्रेसिडेंशियल जिसे कहते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद एक के अंतर्गत न्यायपालिका से या सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी मैटर ऑफ द लॉ पूछ सकता है आर्टिकल एक अनुच्छेद तैतालीस इसके बारे में बात करता है साफ तौर पर आप ये जानते हैं इस अनुच्छेद का यूज करते हुए सरकार ने क्या किया तीसरा केस यहां पर सामने आता है जिसे आप थर्ड जजिस केस के नाम से जानते हैं देखें भैया तो राष्ट्रपति के आर नारायण साहब ने एक आर्टिकल 143 का उपयोग किया 1998 में और सर्वोच्च न्यायालय से ये पूछा क्या पूछा देखो ये लड़ाई चल रही है लड़ाई क्या पूछा सर्वोच्च न्यायालय से पूछा कि एक बात बताओ तुमने ये कह दिया सेकंड जजेस केस में कि हम क्या करेंगे कॉलेजियम से करेंगे तो अब एक बात बताओ क्या नारायण ने पूछा इनसे जजेस से एक बात ये बताओ 1998 में कि जो कॉलेजियम में जो दो जजेस होंगे ये फर्स्ट सुप्रीम सी सी हो गया और इसमें लिखा हुआ था कि दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे इन जजेस की बात सीजीआई ने मानी है या नहीं मानी है जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसने इसकी बात मानी है या नहीं मानी है तुमने जो कॉलेजियम से राष्ट्रपति को जो सिफारिश की है क्या ये पूरी सिफारिश ये सीजीआई ने कर रखी है दो इनकी बात भी मान रहे हैं दूसरा ये पूछा कि ये बताओ सुप्रीम कोर्ट साहब कि तुम आपस में गोलमोल कर रहे हो कि राष्ट्रपति के पास ये आएगी सिफारिश क्या राष्ट्रपति से वापस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कर सकता है लेकिन एक बार भेज देंगे तो दोबारा नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ने यूं कहा तो यहीं पर मैटर उठ के आया कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है इस पर क्वेश्चन मार्क उठ गया कि जो आपका जो कॉलेजियम का सिस्टम है ये ठीक नहीं है जी जो आपका कॉलेजियम का जो व्यवस्था है ये कॉलेजियम की व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है इस कॉलेजियम की व्यवस्था को कुछ तो सही करो तो यहीं से क्या हुआ थर्ड जजेस केस ये तीसरा जजेस केस है ये फर्स्ट जजेस 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 केस 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 सेकंड के, थर्ड केस। इसी केस के बाद कॉलेजियम व्यवस्था की जो आप बात करते हो जो आप कॉलेजियम में भी मित्र पूछ रहे थे मुझसे कि एक जज और पांच न्यायाधीश की बात करता हूं देखो साफ 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 यहां मेंशन है क्लेरिफिकेशन मांगा राष्ट्रपति ने कंसल्टेशन प्रोसेस में कि तुम कंसल्ट करते हो कि नहीं करते तो यहां पर साफ साफ निकल के आया कि अब जो सी जो कॉलेजियम बना इनका थर्ड जजेस के बाद इसमें यह फिर कर दिया गया कि नहीं अब कॉलेजियम में यह होगा कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और चार अन्य जो होंगे सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होंगे एक मुख्य न्यायाधीश और चार जो है ये सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होंगे शुड बी सीजेसल्ट कॉलेज फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये मेरी बात समझो यही कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था चार प्लस एक ये थर्ड जजेस केस की बात है और इसमें एक प्रोविजन ये कर दिया गया। इसे प्रोविजन एक ये कर दिया गया कि अब जब सीजीआई राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देगा कि आप इस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनाओ उसमें सीजीआई इनसे कंसल्ट करेगा और इसमें से अगर दो भी जज ने मना कर दिया तो यो कंसल्ट, जो भी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को सीजीआई ने भेजी है वो रिकमेंडेशन खारिज कर दी जाएगी इसका मतलब हुआ कि दो भी जज ने अगर मना कर दिया तो ये इनका जो कंसल्टेशन प्रोसेस था ये ठीक हो गया कि चार जज होंगे एक सीजीआई होगा और इनमें से दो भी मना नहीं करने चाहिए मतलब एग्री करने चाहिए सबके सब तब जो जाएगी प्रेसिडेंट के पास जाएगी अब प्रेसिडेंट क्या करेगा इस सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश को यहां पर नियुक्त करेगा तो ये के आर नारायण साहब के समय पर चीज होगी क्या आपके सारे डाउट दूर हो गए सर आपने पॉलिटिक्स स्टार्ट क्यों से क्यों नहीं करवाई सर कॉलेजियम से कब लागू माना जाता है कॉलेजियम को लागू कब से माना जाएगा मेरी बात ध्यान से सुने आपसे प्रश्न पूछता है कि बर्थ ऑफ जी कॉलेजियम पूछा गया राजस्थान के एग्जाम में तो बर्थ ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम जो है वो आपको सेकंड जजेस केस से लगाओगे मैंने साफ साफ मैंशन कर दिया है सेकेंड जजेस केस नाइनटीन से कॉलेजियम की शुरुआत हो गई तो बर्थ ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम इज नाइनटीन इसको साफ तौर पे आप मेंशन करोगे लेकिन दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे दूसरी बात ये है कि कॉलेजियम सिस्टम की जो जो ये पांच वाला है ये थर्ड जजेज केस है तो आंसर में तो साफ साफ क्लियर है क्योंकि ये तो क्या नारायण वाले में तो सिर्फ क्या हुआ इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके इसका थोड़ा सा प्रोसेस ठीक कर दिया तो बर्थ ऑफ द दॉलेज सिस्टम जो होगी वो सेकंड जजेज केस से आपको आंसर देना है तो यार प्रथम जजे केस हो गया समय है ना अपने पास समय है अच्छा है ना समय भी फर्स्ट जजेज केस हो गया सेकेंड जजेज केस हो गया मेरे प्यारे बच्चे और यहां पर आपके सामने थर्ड जजेज केस हो गया कोई डाउट है किसी को यस सर यस सर सर आपने पेड कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुने मेरी बात ध्यान से सुने देखो पहले पूरा सेटअप लगवाया है मैं पहले अच्छी खासी कमाई कर रहा था और अभी ये पूरा सेटअप बेटर लगवाया है तो मैं एक पेड बैच लेके आ रहा हूँ पॉलिटी का पॉलिटी पॉलिटी के पेड बैच का जो फीस है वो ट्रिपल नाइन रुपीज एक्ट ध्यान से सुने इस पॉलिटी पॉलिटी के बैच की फीस है ट्रिपल नाइन रुपीज इसमें मैंने कुछ प्रोविजन किया चीज है इसमें इस एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब है संविधान आपको संविधान पढ़ाया जाएगा साथ में गवर्नेंस इश्यू है गवर्नेंस लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस की बुक अलग आती है और पॉलिटी की बुक अलग आती है तो संविधान और गवर्नेंस दोनों को मिला के इसकी फीस ट्रिपल नाइन रुपीज है और इसमें राजस्थान का प्रशासन अलग से बिहार का प्रशासन अलग से और जो आई पी है वो अलग से तो दोनों को मिक्स करके फीस ट्रिपल लाइन है आपको सिर्फ इंडियन पॉलिटी पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो इसकी फीस कम लूंगा मैं लेकिन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस में लानी तो इसकी फीस ट्रिपल लाइन होगी ये कम से कम जो बैच खत्म होगा पॉलिटी का वो मिनिमम तीन महीना चलेगा मिनिमम तीन महीना चलेगा बढ़िया होगा और इसमें वही बच्चे एडमिशन लें जो सीरियस तैयारी करते हैं नोट्स मिलेंगे सब कुछ मिलेगा क्राउड नहीं चाहिए सीरियस हो जैसे एक होता है ना कि किसी गुरु के साथ कुछ शिक्ष कुछ उसके शिष्य होते हैं जो पर्सनल आपस में रहते हैं तो मेरा ऐप होगा उसको आप डाउनलोड करोगे मैं दुनिया में चाहे जहाँ भी पढ़ाता रहूँ इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसमें पढ़ोगे और प्यार से पढ़ोगे वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे मेरा पर्सनल गाइडेंस वहाँ मिलेगा वो इतने का है और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लोगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना मैं इसकी फ़ीस कम कर दूंगा और गवर्नेंस लोगे तो इसकी फीस इतनी रहेगी क्योंकि सौ घंटे बैच चलेगा और इसमें बल्क लेवल पर बड़े लेवल पर आपको चीज़ें मिलेंगी क्योंकि यार तीन महीना पढ़ाऊंगा यार तीन महीने पढ़ाने के लिए हज़ार रुपये नहीं लूँ तो क्या लूँ पर तो तुम मुझसे पढ़ो ही मत पर तो सिर्फ यही पढ़ा दूंगा मेरी बात समझे चलिए डन 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 आरपीएससी के लिए बताए भाई आरपीएससी देखो ये वाला बैचन है आर पी एस सी के लिए ही है एसएससी वाले ना खरीदें यूपीएसआई वाले खरीद सकते हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली फॉर आरपीएससी बीपीएससी ये सब चीज़ें ऐसा ही में इनमें नहीं पूछता है कॉन्स्टेबल वगैरह में नहीं पूछता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है घर से पढ़ना है और एक मेरा छोटा सा ऐप है उसको आप डाउनलोड कर करके कर रखो चुपचाप पॉलिटी पढ़ते रहो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब यूट्यूब पर तो मैं जब तक पढ़ाऊँगा क्लासेस आप देखते रहो मिल ही रही हैं आपको चलो भाई आगे देखते हैं अब मामला जो था अब यह सी जी आई कंसल्ट कोर्ट अब एक कहानी समझने का प्रयास करना मेरे साथ पहले क्या हो रहा था पहले क्या रहा था? पहले क्या क्या हो हो रहा रहा था था ध्यान से कि एग्जीक्यूटिव क्या कर रही थी जुडिशरी में इंटरफेरेंस कर रही थी कार्यपालिका न्यायपालिका को रोंद रही थी कार्यपालिका जो चाहे वो कर रही थी और अब क्या हो रहा है अब ये हो रहा है कि न्यायपालिका अपने अकॉर्डिंग अपने जजों को डिसाइड कर रही है मतलब गेम बदल गया अब न्यायपालिका अपने जजों को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रही है और पहले कार्यपालिका अपने जजों को कार्यपालिका इंटरफेरेंस कर रही थी अभी न्यायपालिका जो है ये खुद अपने जजों को डिसाइड कर रही है तो मामला क्या हुआ बदल गया अब आप कहानी को समझ देखो कर, 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 लिंक्स को आप कनेक्ट करो लिंक्स को कनेक्ट करो मेरे प्यारे बच्चे लिंक्स पर जरा ध्यान देने का प्रयास करना है बात ये नहीं होती कि आप कितना जान गए लिंक्स पर आपको ध्यान देना है देखो इस बात को जरा समझने का प्रयास करें अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा मेंस में आंसर राइटिंग के लिए तब आपको यह प्रश्न बड़ा ध्यान देना पड़ेगा तब यह जजेज केस का आपको नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है अब लिंक को कनेक्ट करो मैंने कहा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मौलिक फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे पास होनी चाहिए और यही सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए आर्टिकल फिफ्टी कहता है डीपीएसपी का अब आर्टिकल फिफ्टी जो डीपीएसपी का है ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अब इसको बनाए रखने के लिए इन दोनों का सेपरेशन होना चाहिए अब इन दोनों का सेपरेशन होना चाहिए अब ये सेपरेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है अब ये सेपरेशन बैलेंस नहीं हो पा रहा कि अब पहले क्या था कि पहले एग्जीक्यूटिव जो थी एग्जीक्यूटिव जो थी ये अपनी मनमानी कर रही थी मतलब पहले क्या था कि कार्यपालिका अपनी मनमानी कर रही थी अब क्या हो रहा है कि जुडिशरी अब क्या हो रहा है कि जुडिशरी मतलब है कि न्यायपालिका अपनी मनमानी कर रही है न्यायपालिका अपनी मनमानी कर रही है अब जुडिशरी कर रही है पहले एग्जीक्यूटिव कर रही थी अब दोनों के बीच का मिडिल वे निकालना है अब मिडिल वे निकला नहीं तो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन क्योंकि अब भाई मिर्ची लगी रही है एग्जीक्यूटिव को और पहले मिर्ची लगी थी, थी जुडिशरी को तो क्या रास्ता निकला रास्ता निकला तो आपको लगता है कॉलेजियम सिस्टम इज द मिडिल वे बताओ है क्या बिल्कुल भी नहीं है भाई

ये थर्ड जजेस केस तक आप समझ गए समझ गए कंसल्टेशन प्रोसेस यहाँ तक पूरा क्लियर है पहला जज केस दूसरा तीसरा याद कर लेना बोडी में पूछेगा पूछेगा एसपी गुप्ता बनाम पक्का तीनों केस याद रखने मेरे प्यारे बच्चे इतना दिमाग लगा रहा हूँ यहाँ पर ठीक है देखो पूरा पूरा हिंदी इंग्लिश में मेंशन है पूरे नोट्स आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन का जो लिंक है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन में है मूवी शिक्षा एप्लीकेशन नीचे मेंशन है साथ मेरे टेलीग्राम पर मिलेंगे टेलीग्राम चैनल का नाम है जी एस करण चौधरी ठीक है आप सब खुद उस पर हैं यार और जो बच्चे नए हैं भाई वो मुझे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और अच्छी बात है तुम सबसे मेरे प्यारे लाड़ रहे हो तो छालीस की वॉचिंग दे रहे हो लेकिन चार हजार की वोचिंग दे रहे थे और दोबारा से मैं जा रहा हूँ तो आप चार हजार की वोचिंग दोगे तो अब यही कुछ प्यार दे दो अपना करो करो जबरदस्त और उन बच्चों को लेके आओ जो एक्चुअल में पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं एस एस सी क्राउड नहीं चाहिए ठीक है चलो गुड आओ अब देखते देख। हैं, अब बीच का सॉल्यूशन निकालने की बात की गई कि बीच का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा ये मिडिल वे की बात की गई कि मिडिल वे कैसे निकलेगा मिडिल वे का मतलब है कि दोनों के बीच का रास्ता कैसे निकलेगा कि दोनों ही को मिलाया जा सके दोनों ही को ठीक किया जा सके इसके बीच का रास्ता निकालने के लिए एक कमीशन का आपने नाम सुना होगा अब यहां दूसरा टॉपिक आ रहा है जिस कमीशन का नाम है ने नेशनल जुडिसियल अपॉइंटमेंट कमीशन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिसियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है से एनजीएसी के नाम से आप जानते हो अब ये एनजीए क्या है इसको थोड़ा समझने का मेरे साथ प्रयास करें देखो कार्यपालिका और न्यायपालिका की लड़ाई से सब विदित थी सबको पता था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बैलेंस नहीं है इनके बीच का मिडिल वे हमें निकालना बहुत जरूरी है इस मिडिल वे को निकालने की सिफारिश कई लोगों ने कर चुके थे और इसी में आप देखोगे लॉ कमीशन की मैं बात करूं तो लॉ कमीशन 1987 में लॉ कमीशन मतलब इसको बोलते हैं विधि आयोग लॉ कमीशन तो विधि आयोग ने 1987 में ये सजेशन दिया था कि जुडिशरी में जो हमारी न्यायपालिका है न्यायपालिका में प्रमोशन के लिए ट्रांसफर के लिए न्यायपालिका में किसका प्रमोशन होना है ट्रांसफर होना है और अपॉइंटमेंट होता है इन तीनों चीज़ों के लिए कोई नेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए जो इन तीन चीजों को डिसाइड करेगी सिलेक्शन प्रमोशन और ट्रांसफर कि किस जज का मतलब जुडिशरी में सिलेक्शन कैसे होगा प्रमोशन कैसे होगा और ट्रांसफर कैसे होगा इसकी रिकमेंडेशन दी थी लॉ कमीशन ने नाइनटीन में क्यों दी थी रिकमेंडेशन क्योंकि काफी सारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे वो ये बात बता चुके थे काफी सारे जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे कह चुके थे कि न्यायपालिका में इन तीनों चीजों में इश्यू हमेशा बना रहता है कि सिलेक्शन कैसे होगा जजेस का प्रमोशन कैसे होगा और जजेज का ट्रांसफर कैसे होगा ये तीन ही मुख्य मुद्दे हैं जिनके बारे में इतनी मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी तक जजों की नियुक्ति को लेकर कि जज ट्रांसफर कैसे होंगे हाई कोर्ट से हाई कोर्ट जज कैसे जाएंगे इसी को लेकर एसपी गुप्ता बनाम का केस आया था भारत संघ का प्रमोशन की बात जो मैंने आपको बताया कि जो जस्टिस जैसे प्रमोट कर दिया गया था आपको एग्जाम्पल दिया अजित नाथ रे का, का हमेशा आता है प्रमोशन का और सिलेक्शन का मुद्दा ये आ रहा था कि जुडिशरी में जो सिलेक्शन होता है स्टेट करते हैं स्टेट का कमीशन होते हैं तो एक कैसे इसके लिए एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई जाए जिस बॉडी के माध्यम से ये जो बीच का कंफ्यूजन इसे पूरे को पूरे को दूर किया जाए मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों पता नहीं मेरी क्वालिटी आपको कैसी नजर आ रही है हाँ विधि आयोग नाइनटीन एटी सेवन सर पॉलिटी यूपीएससी मीन्स के लिए क्या क्या है है क्या पिट बैच भाई यूपीएससी मीन्स की पॉलिटी है मेरी बात जरा ध्यान से सुन लें पहली बात मेंस की पॉलिटी जो होती है पूरी आंसर राइटिंग पे बेस्ड होती है वो आंसर राइटिंग में बेस्ड होती है इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होती पहली मेरी बात सुने आपसे मैं यूं कहूँ कि कहानी लिख अब तो कहानी लिखोगे लेकिन कहानी किसकी अब बोला कि राजा राम की कहानी लिख तो कहानी के लिए यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन टू राइट स्टोरी यार unless, आपको ये नहीं पता क्या है तब आप इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तब उस इंफॉर्मेशन को आप राइट कर पाओगे और उस राइटिंग के दौरान आपकी इन्फॉर्मेशन एनालिटिकल है या नहीं आपकी अप्रोच कैसी है तब वो चीजें डिसाइड होती हैं तो ये इंफॉर्मेटिव बैच है इंफॉर्मेशन बेस्ड बैच है मेन्स में भी काम आएगा और प्लेम्स में पूरा पूरा काम आएगा तो थॉट और कॉन्सेप्ट और इंफॉर्मेशन तीनों को मिक्सड कर रहा हूं मैं यहां पर मीन्स अलग है मीन्स में आप आंसर लिखोगे मुझे भेजोगे फिर लिखोगे फिर मुझे भेजोगे फिर लिखोगे फिर भेजोगे दैट इज डिफरेंट दैट इज डिफरेंट दोनों जीवन समझने का प्रयास करें मित्रों चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं अब भाई साहब मैंने क्या कहा मिडिल वे मैं मिडिल वे की बात कर रहा कर रहा था बीच का रास्ता मैंने क्या कहा था बीच का रास्ता ये बीच का रास्ता कैसे निकलेगा और एक बात और है भाई मैं यूँ नहीं चाहता कि इस पर यूट्यूब पर जो भी लाइव देख रहे हैं वो फालतू तो लोग भी देखें बिना बच्चों के अलावा प्लीज़ सिर्फ बच्चे देखें जितने भी देख रहे हैं मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे चैनल की एक्चुअल रियलिटी क्या है चार अगस्त तक मैं क्लास लेना चाहता हूँ इस पर और मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल कितने हैं जो मुझसे प्यार करते हैं बाकी तो भाई बाईफ पर मुझे पता है कि करीब करीब वन पॉइंट मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो भी होंगे उसके ठीक है तब तक यहाँ मजे से देखो क्या इशू है तो वही रहना जो एक्चुअल है डोंट फोर्स एनी चलो अब मिडिल वे बीच का रास्ता तो बीच का रास्ता एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का बीच का रास्ता निकाला जाए तो मैंने क्या कहा कि 1987 में जो विधि आयोग था उस विधि आयोग ने क्या किया कि रिकमेंडेशन अपनी दे दी कि इन दोनों के बीच का बीच का रास्ता निकालो इन तीनों चीजों के लिए अब इसी बात को लेकर उन्नीस में एक बिल आया लोकसभा में बिल आया लेकिन बिल क्या हुआ लोकसभा जो थी वो भंग हो गई और बिल क्या हुआ लेफ्ट कर गया और बिल क्या हुआ खत्म हो जाता है आपको पता है लोकसभा डिजोल्व हो जाए तो बिल जो होते हैं वो सारे के सारे जो पेंडिंग बिल होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं यही हुआ बिल खत्म हो, हो गया यहाँ ये बात यहीं कहीं रुक गई कुछ दिन के बाद दोबारा से माहौल बना और दोबारा से माहौल बना तो अब यहां पर बात आती है मेन जो आपके दिमाग के लिए बेहद जरूरी और बेहद जानकारी वाली है क्योंकि एन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमें दोनों के बीच का बीच का रास्ता निकालना था कि जुडिशरी और कार्यपालिका एक दूसरे के जानी दुश्मन ना बने ये दोनों एक दूसरे से मिल काम करें नहीं तो आपको पता है भाई जुडिशरी और कार्यपालिका अगर एक दूसरे लड़ने लग गए ना तो वो बोलेगी तू जेल जा तूने गलत काम किया और वो बोलेगा कि मैंने काम इसी किया अगर आप अभी देख लो विकास दुबे वाला मामला तो अगर जुडिशरी यूं कहे कि मुझे तो खड़ा खड़ा मार दिया आप क्या कहोगे बताओ इसमें एग्जीक्यूटिव ने काम किया तो अब एनजीएससी के मामले को उठाया जाना था क्योंकि विधि आयोग की रिकमेंडेशन थी और बहुत से लोगों का ये विचार था कि इस कुछ किया जाना चाहिए अब यू हुआ जी क्या हुआ कि भारत के संविधान में एक सौ संविधान संशोधन की बात विधेयक के लिए एक विधेयक आया कॉन्स्टिट्यूशन बिल आया मतलब एक सौ बिल है ये संशोधन मतलब एक्ट नहीं बिल है तो so, 121 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया 2014 में जिसे आप संविधान संशोधन विधेयक के नाम से जानते हैं 124 121वां संविधान संशोधन विधेयक जो आया 2014 में अब इस विधेयक के माध्यम से क्या किया गया और क्या हुआ तो विधेयक आप जानते हैं कंप्लीटली एनजीएससी पे बेस्ड था इस बिल को लाया गया कि एनजीएससी बनाया जाना चाहिए ये बिल जब लोकसभा में आया तो पूर्ण बहुमत से पारित हो गया किसी ने भी यू नहीं कहा कि इस बिल का कोई विरोध करे पूर्ण बहुमत से बिल जो था ये पारित हो गया बिल राज्यसभा में गया और राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत से पारित हुआ सिर्फ एक व्यक्ति थे जिनके इनके खिलाफ वोट डाली वो थे रामजेठ मठाले रामजेठ मठान मलानी साहब जो एडवोकेट थे रामजेठ मलानी सीनियर एडवोकेट थे कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई अभी बड़े ही फेमस एडवोकेट हुआ करते थे रामजेठ मलानी साहब अब ये मामला उन्होंने उसके खिलाफ में वोट डाला राज्यसभा में राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे सब ने इसका साथ दिया क्योंकि सब चाहते हैं, नेता चाहते हैं कि जुडिशरी पे कंट्रोल रहे सब ये चाहते हैं भैया तो NGSE का विधेयक विधेयक जो था ये 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 पारित पारित हो गया और जैसे ये पारित हुआ राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए अब राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए गया तो राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए आप ये सब जानते हैं आर्टिकल 111 सौ ग्यारह साफ तौर पर कहता है कि जो भी कोई बिल आता है विधेयक आता है और राष्ट्रपति के पास साइन होने के बाद पश्चात एक्ट बन जाता है एक सौ संविधान संशोधन विधेयक जो था ये निन्यानवेवा संविधान संशोधन भारत के संविधान में हुआ अब आपको यहां नजर आएगा ये यहां पर अमेंडमेंट एक्ट ये बन गया एक्ट बन गया और एक जनवरी 2015 को ये कंप्लीटली एक्ट बन गया था ये क्या हुआ एक्ट पारित हो गया मतलब ये कानून बन गया एनजेसी क्या हुआ ये कानून यहां पर बन गया अब जब ये कानून बन गया तो जुडिशरी के खिलाफ कानून बन गया एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ने कानून बना दिया और कार्यपालिका को आप जानते हैं कार्यपालिका को शक्ति विधायिका से मिलती है क्योंकि इंडिया में जो कार्यपालिका है आपको साफ तौर पर यह बात पता है कि भारत में प्रधान मुख्य प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है और आप ये जानते हैं अच्छी प्रकार से कि लोकसभा जो होती है वो विधायिका का पार्ट है और विधायिका में जिसकी मेजोरिटी है वो एग्जीक्यूटिव का राजा है तो अब यहां पर मुद्दा ये उठा कि अब भैया यहां पर ये बात आ गई कि तो बिल जो था यह पारित हो गया अब बिल जो जो ये पारित हो गया तो बिल चला गया राष्ट्रपति मतलब बिल एक्ट बन गए अब सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चल गई पता चली जाती टी टोटली तो एडवोकेट्स और रिकॉर्ड जो मैंने पहले बताया था कि सेकंड जजेस केस जो हुआ था वही एडवोकेट्स और रिकॉर्ड जो होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्याय जो जजेस होते हैं उनकी एसोसिएशन जो होती है वो एसोसिएशन फिर से कोर्ट गई और कोर्ट में जाके एसोसिएशन ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि सर ये तो गलत कर रहे हैं ये तो जुडिशरी की हत्या कर रहे दे रहे हैं अब इनको रोको तब इस पर दोबारा से केस हुआ अब दोबारा से इस पर केस हुआ NGSE पे केस हुआ। अब के, 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 के बारे में आप सुनो ये एनजेसी, पहले मैं एक काम करता हूं केस के बारे में बताता हूं समझा देता हूं से, केस हुआ और केस किया गया एनजेसी की फंक्शनिंग को लेकर एनजेसी जो है गलत है अब तुम इसकी फंक्शनिंग जानो कि एनजीएससी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था क्या और क्यों इसको रद्द किया गया और क्यों इस पर केस हुआ था इस पूरी की पूरी कहानी को समझो कार्यपालिका और विधायिका के बीच की लड़ाई है इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चे नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन एन इस एनजे के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद एक के अंतर्गत संशोधन किया गया एक मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद है जो कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित है और एक ए जोड़ा गया 124 बी जोड़ा गया और 124 सी जोड़ा गया 124 ए का साफ साफ मतलब था कि जो भी एन होगी उस एन का कंपोजिशन क्या होगा मतलब उसका संगठक क्या होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी ये जो था 124 ए के अंतर्गत यहां पर जोड़ा गया संगठक क्या क्या होंगे मतलब इसके संगठक क्या क्या होंगे मतलब इसमें कौन कौन होगा अब इसके संगठक समझने का प्रयास करना तो एनजीए जो थी उसके संगठक जो बनाए गए इसमें छह मेंबरों को निर्धारित किया गया कि इसमें छह मेंबर होंगे छह मेंबर को इसको डिसाइड किया गया कि टोटल इसमें छह मेंबर होंगे और छह मेंबर को इस प्रकार से बांटा गया अगर मैं यूं कह दूं आपसे कि तीन जो थे वो जुडिशियल मेंबर थे जुडिशियल और मैं यूं कह दूं कि तीन जो थे वो नॉन जुडिशियल मेंबर थे इसका मतलब है कि तीन जो थे ये न्यायिक सदस्य हुआ करते थे और जो तीन जो थे ये गैर न्यायिक सदस्य हुआ करते थे इस प्रकार से तीन जो थे ये आपके जुडिशियल सदस्य हो गए और जो तीन बाकी थे ये आपके नून जुडिशियल सदस्य हो गए अब मैं इनको देखूँ कैसे करके टोटल छः मेंबर हैं जुडिशियल और तीन नॉन जुडिशियल अब ये कैसे बटे कि जो तीन जुडिशियल वाले हैं ना इसमें जो एन का जो चेयरमैन हुआ करते थे वो सीजीआई हुआ करते थे तो ये तीन में से एक सीजीआई हो गई जो चेयरमैन बने और दो अदर जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर तो ये जो तीन ऐसे बांट दिए थे और जो तीन जो नॉन जुडिशियल मेंबर हुआ करते थे इसमें साफ तौर पर यह बोला गया कि एक तो इसमें एक तो बोला गया कि भारत का जो लॉ मिनिस्टर है जो हमारा लॉ मिनिस्टर है वो हमारा जो विधि मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर जो इंडिया का वो इसका मेंबर होगा और जो बच्चे दो थे जो दो बचे हुए थे इनके लिए ये कहा गया कि जो दो हैं ये बचे हुए इन दो की नियुक्ति जो है ये कौन होंगे तो बोला कि इनका जो चयन है वो एक समिति करेगी एक कमेटी करेगी अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बोला कि कमेटी करेगी तो इस कमेटी में बोला कि तीन मेंबर होंगे एक तो पीएम उसके मेंबर होंगे दूसरा सीजे उसके मेंबर होंगे और तीसरा बोला गया कि इस कमेटी के लीडर ऑफ दी मतलब जो अपोजिशन ऑफ द लोकसभा लोकसभा का विपक्ष का नेता लोकसभा का विपक्ष का नेता जो अपोजिशन का लीडर है विपक्ष का नेता लोकसभा का ये तीनों पीएम पीएमसीजे विपक्ष का नेता ये तीनों मिलके निर्धारण करेंगे कि ये दो सदस्य होंगे कौन होंगे अब खिचड़ी बन गई आपके दिमाग पर लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनो खिचड़ी बड़ी आराम से क्लियर हो जाएगी छह सदस्य थे तीन जुडिशियल तीन नॉन जुडिशियल जिसमें से एक आपको पता चल गया विधि मिनिस्टर और दो के लिए समिति बनाई गई तो ये इसका कंपोजिशन हुआ करता था एनजीएससी का संगठक जो था एनजीएससी का जो बना था उसका कंपोजिशन जो था आर्टिकल 124 ए में डिसाइड किया गया वो एक कंपोजिशन आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों सेकंड देखो वन 124 बी भी ये कहता है फंक्शनिंग कि एनजीएससी फंक्शनिंग कैसे करेगी ये क्या क्या कार्य करेगी ये प्रमोशन करेगी ये अपॉइंटमेंट करेगी ये ट्रांसफर करेगी या जो नई भर्तियां हो रही हैं वो करेगी इसकी फंक्शनिंग के बारे में आर्टिकल 124 बी में बात की गई थर्ड कि इसके लिए जो पावर ऑफ पार्लियामेंट कि इस एनजेएसी के लिए अगर इसमें कोई संशोधन करना है इसमें कोई बदलाव करना है तो उसके लिए संसद को शक्ति दी गई थी तो आर्टिकल वन सी में बात कही गई थी ऐसे करके इसको डिवाइड किया इसको ऐसे करके बांटा गया था अब सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने अब पूरा केस जो है ना वो इसी को लेकर एनजीएससी कैंसिल हुई है इसी मामले को लेकर अब मैं इसी में से बताऊंगा कि क्यों कैंसिल की गई है ध्यान से समझते चलना मेरी बात मैं यूं आपको आगे बढ़ाता चल रहा हूं ठीक है देखो चलो भाई अब सुप्रीम कोर्ट में केस गया सुप्रीम कोर्ट में केस गया समझ में आया थैंक यू सर आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें संशोधन कॉन्टैक्ट भाई मुझसे कैसे करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो एट सेवन ट्रिपल जीरो सेवन एट नाइन वन सेवन आप इस पर कॉल कर सकते हो और दूसरा टेलीग्राम पर जुड़े हो सबसे बेस्ट चीज वही है ध्यान से देखो बाकी यार यूँ बताओ मैं तुम्हें कुछ दिन के अंदर तुम जान ही जाओगे कि मैं पढ़ा रहा तो मैं फिर तुम अपने आप हाँ कर लोगे अभी तक ये है कि जब तक पर्सनल जुड़ना है किसी बैच से तो इसमें जुड़ सकते हो चलिए आगे देखो फाइव जजेस बेंच अब देखो आगे ये बेंच लिखी हुई है घरे ने क्या लिख दिया ठीक है यहाँ देखो अब केस हुआ अब जब केस हुआ तो केस आपके सामने आया ये जो केस था इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड की जो यूनियन है उसी यूनियन ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए 2015 की। अब जब केस को सुप्रीम कोर्ट यूनियन जो है एडवोकेट्स और रिकॉर्ड यूनियन जो है ऑफ इंडिया के नाम से केस हुआ 2015 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो इस केस को सुनने के लिए एक अच्छी सी बेंच बनी बेंच का मतलब उसमें एक से ज्यादा जजेज होते हैं जैसे ये मैंने आपको जो तीन केसेस पहले पढ़ाए हैं फर्स्ट जजेज केस सेकेंड जजेस केस उसमें भी बेंच थी सेकंड जजेस केस की बेंच में सात जज हुआ करते थे जिसमें जिसमें बर्थ ऑफ कॉलेजियम सिस्टम हुआ था उसमें सात जज हुआ करते थे ऐसे थर्ड जजेस बेंच तो यहाँ पर भी ये जो केस हुआ इसको फोर्थ जजेस केस बोलते हैं चौथा जजेस केस के नाम से इसे जाना जाता है ये नीचे यहाँ पर मेंशन है इसमें भी जजेस की पांच जजेस की बेंच बनी और इस बेंच के अध्यक्ष बने जस्टिस जे एस केहर जस्टिस जे एस केहर की अध्यक्षता में ये पांच जजों की बेंच बनी अब मैंने इनका नाम यहाँ क्यों लिख दिया इनका नाम इसलिए लिख दिया कि ये प्रश्न पूछा गया है कि एन में जो बेंच बनी थी या फोर्थ जजेज केस की जो बेंच थी उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे जस्टिस जेहर कहर हुआ करते थे या कभी जी एस कहर हुआ करते थे कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा था भाई निन्यानवे संविधान संशोधन निन्यानवे का जो एक्ट है आप एक्ट और बिल में अंतर समझ रहे हो ना वो इक्कीस सौ इक्कीस में बिल था निन्यानवे में क्या हुआ एक्ट बन गया इस बात को समझ पा रहे हो ना चलो बहुत अच्छी बात है शुक्रिया भाई अब देखो क्योंकि इस निन्यानवे में संविधान संशोधन को पूरे को रद्द कर दिया था तो रद्द कर दिया इतना बड़ा स्टेप लिया तो जस्टिस जे एस केहर का नाम जो था यह आपको यहाँ जानना जरूरी है और ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है अब जस्टिस जे एस कैर साहब ने सुनवाई करी उस केस की जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का केस था और 16 अक्टूबर 2015 को यह कह दिया कि जो निन्यानवेवा संविधान संशोधन हुआ हमारे भारत के संविधान में यह असंवैधानिक है और जो एनजेएससी जो बनी है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया अब ये फिर जुडिशरी की लड़ाई असंवैधानिक घोषित कर दिया अब भाई तो बड़ा पंगा वाला बात हो गया संविधान घोषित कर दिया अब सुप्रीम कोर्ट ने से कार्यपालिका ने पूछा कि आप इसे कैसे जो है कैसे आप इसे संविधानिक घोषित कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात को सुनने के लिए दलील को सुनने के लिए हमें थोड़ा सा बैग जाना पड़ेगा और बैग क्या चले हम इसी पर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या कहा आप मेरी बात जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इनसे गवर्नमेंट से कि आपकी एनजीएससी खराब है और जस्टिस जी एस केहर ने क्यों उसको असंवैधानिक घोषित किया क्यों उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही रद्द कर दिया इसका रीजन क्या था इसका रीजन ये था इन्होंने कहा कि सर हम कमीशन बना रहे हैं न्यायपालिका ने कहा चलो सब ठीक है बना लो कमीशन अब इन्होंने कहा कि जी कमीशन में कौन होंगे तो सरकार ने बोला जिसमें छह मेंबर होंगे बोला तीन मेंबर जुडिशरी के होंगे बोला जी बहुत ठीक है बोला जी दो मेंबर तीन मेंबर जो बाकी होंगे वो नॉन जुडिशरी के होंगे तो सरकार ने बोला कि भाई वो कौन होंगे मेरी बात जरा ध्यान से समझना कि तीन होंगे सरकार ने बोला कि जो भाई बाकी जो तीन है ये कौन होंगे ये जो तीन है ये कौन होंगे तो यहाँ आंसर आया कि जो तीन है ये इन तीनों में से एक तो हमारा विधि का जो लॉ मिनिस्टर है वो इसका मेंबर होगा लॉ मिनिस्टर मेरी बात समझो ध्यान से और जो बाकी दो हैं वो क्या होंगे उनका अपॉइंटमेंट एक कमेटी करेगी और उस कमेटी में भाई साहब कौन होगा तो बोला कि जी पीएम साहब होंगे और कौन होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और कौन होगा बोला और जी आपका सीबीआई होगा अब यही बात जो थी सुप्रीम कोर्ट को बुरी लगी सुप्रीम कोर्ट ने यूं कहा कि एक बात बताओ अगर ये पूरी समिति जो है किसी जज का रिकमेंडेशन करेगी छह वाली समिति जो है और उसमें जो मेंबर आपके बन रहे हैं इस प्रकार से तो तीन तो जुडिशरी के मेंबर हो गए लेकिन ये बाकी जो तीन मेंबर बनेंगे एक तो पूरा विधि विधि मंत्री हो गया और विधि मंत्री कार्यपालिका कार्यपालिकाएं कार सदस्य है और जो दो की आप नियुक्ति कर रहे हो इसमें पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा हुआ है तो ये कही कहीं ना कहीं कार्यपालिका के होंगे तो तीन तो कार्यपालिका के गए तीन न्यायपालिका के हो गए और जिस व्यक्ति की जिस जिसका ट्रांसफर होगा वो सर्वसम्मति से होगा जिसकी नियुक्ति होगी सर्वसम्मति से होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये यह कहा कि ये तो जी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है सरकार ने कहा जी कैसे उल्लंघन कर रहा है सरकार ने ये कहा कि उल्लंघन कर रहा है तो गवर्नमेंट ने कहा कि उल्लंघन कर रहा है तो सरकार ने पूछा जी कैसे उल्लंघन कर रहा है तो बोला कि भाई साहब ये उल्लंघन इसीलिए कर रहा है कि अनुच्छेद जो पचास है जो ये कहता है कि कार्यपालिका से हमेशा न्यायपालिका अलग रहेगी सेपरेशन ऑफ पावर्स रहेगा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में उन दोनों के बीच में आर्टिकल पचास साफ साफ मैंशन करता है आप क्या कर रहे हो आप विधि मंत्री को इसके अंदर शामिल कर रहे हो और आप जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट करा रहे हो उसमें आप एग्जीक्यूटिव का रोल अदा करा रहे हो तो ये तो क्या कर रहा है ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स कर रहा, नहीं कर रहा है ये तो आप क्या कर रहे हो मिक्स कर रहे हो दोनों चीज़ों को और मिक्स कर रहे हो तो आर्टिकल फिफ्टी जो है उसका वॉल्यूशन कर रहे हो अब अब भाई साहब जो हमारे सरकार ने कहा कि साहब पॉलिसन तो हम नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये बताओ इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है बोलो जी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हमने 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा दिया था सरकार ने कहा जी हाँ दिया था तो जी हमने उसमें यह कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये डिसाइड कौन करेगा बोला इसको भी अब डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ही करेगा जी तो बोला जी हमने ये डिसाइड किया था कि आर्टिकल पचास जो है आर्टिकल फिफ्टी जो है ये भी क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जी सरकार ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है आर्टिकल 50 तो आप उसका वॉल्यूशन कर रहे हो आपने एग्जीक्यूटिव को शामिल कैसे कर दिया आपने विधि मंत्री को जुडिशियल अपॉइंटमेंट में शामिल कैसे कर दिया दूसरा आप इनडायरेक्टली दो व्यक्तियों को बुला के ला रहे हो उनका आप कह रहे हो कि पीएम उनको नियुक्त करेगा साथ में आप अप लीडर अपोजिशन के साथ तो आप तो ये मिक्सअप कर रहे हो अब ये मामला बड़ा खतरनाक यहां बन गया यहाँ तक समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ये मामला समय कमेंट पढ़ लेता हूँ सर आई एस मीनस के लिए भी बैच दिलाना बाद में सर ई पी एफ ओ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के सेकेंड पढ़ना होता है भाई तुम्हारी वॉचिंग चालीस चूलीस आ रही है यार ए? क्यों यारे प्यारे दोस्तों चालीस चालीस ही वॉचिंग लेके आ रहे हो अपनी वॉचिंग वॉचिंग बढ़ाओ चलो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों ओरिजिनल ऑरिजिनल ना जो भी पढ़ रहे हो बढ़िया बात है कल की तुम्हारी वॉचिंग का जो टारगेट तुम्हें देके चल रहा हूँ ना मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ वहाँ उत्कर्ष में तुम्हें जो तुम्हें लगता था कि मैं पहले क्वालिटी नहीं कराई तो पेड बैचेज में वहाँ पर भी हुई है फ्री में चीज़ें नहीं होती मेरे प्यारे दोस्त यूट्यूब पर लेकिन मैं करा रहा हूँ यहाँ पर तुम्हें मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो माँ कसम भाई लेकिन तुम एटलीस्ट ये एफर्ट करो कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कहाँ तुमने लाखों में व्यूज़ दिए मुझे एक एक दिन में यूट्यूब पर सर्च करो लाखों व्यूज तुम देते थे कहाँ तुम चालीस चालीस देख रहे हो प्लीज़ डू समथिंग फॉर मी मीयर माई पर्सनल सज इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू पीपल ठीक है और सजेशन भी है मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा इससे मेरा दूसरे टीचरों का भी हाई रहेगा मैं क्लासेस कंडक्ट कराऊंगा अकाउंटिंग की ई के लिए इंग्लिश की डेली करंट अफेयर्स की बहुत सारे डायनामिक है मेरे पास टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाएंगे आपको मिलेंगी क्लासेस चलें भाई अब ये मामला एन का कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपकी एन तो पूरी पूरी खराब है इस एनजीएससी को भैया हम नहीं चलाने वाले इस NGSE को तो बिल्कुल नहीं चलाने वाले ये एनजीएससी आपकी एक नंबर की भी नहीं है ये पूरी खराब है और इसको रद्द कर दिया गया और पूरी की पूरी एनजीएससी को रद्द कर दिया निन्यानवे संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया फर्स्ट ग्रेड कब कर चालू करोगे भाई फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब क्लियर है इसमें मेरे प्यारे बच्चे अब ये रद्द हो गया अब देखो अब क्या हुआ अब इसके रद्द होने के बाद मामला क्या आया कि सर ये तो रद्द हो गया बोला सर अब क्या करेंगे ये तो रद्द कर दिया बोला सर अब क्या करेंगे अब मामला हमें क्या करना चाहिए तो अब पुराना जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा था जो मैंने बताया था कि सेकंड जजेस जो केस हुआ था 1993 में उसमें जो कॉलेजियम बना था वही कॉलेजियम व्यवस्था आज फिर अभी भी कंटिन्यू है एन पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया तो एक कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो अपॉइंटमेंट जो जजेस का होता है जो मैंने तीन क्वेश्चन पहले रेज किए थे जो विधि आयोग ने जो तीन क्वेश्चन के बारे में बोला था कि जो भी जजेस बनेंगे ये जजेज हैं इन जजेस का हमें ये सॉल्यूशन करना है कि जजेस का हमें प्रमोशन जजेस का कैसे होगा ये सजेशन दिया था कि सिलेक्शन कैसे होगा प्रमोशन कैसे होगा ट्रांसफर कैसे होगा इन तीन चीजों को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए अभी भी प्रश्न मार्क लगा हुआ है यहाँ पर अभी पर भी, भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि दोबारा से जुडिशरी ने कॉलेजियम व्यवस्था को एक्टिवेट करवा दिया तो अभी फिर ये सोचने वाली बात बनती है कि इन तीन चीज़ों के लिए जुडिशरी क्या चाहती है तो ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है अब आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक ये चल रहा था कि न्यायपालिका में जजेस जो होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है अभी सिर्फ मैंने आपको एक ही आर्टिकल पढ़ा है आर्टिकल वन उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कई क्लासेस लूंगा न्यायपालिका आपकी चार पांच क्लासेस में खत्म होगी ठीक है चलो तो अभी आर्टिकल 124 के बारे में बात कर रहे थे कि नियुक्ति जो जजेस की ये कैसी होगी अब मेरे साथ मेरी जरा कहानी पर आ जाओ कौन सी कहानी है? मेरी वाली कहानी मेरी वाली कहानी कौन सी वाली कहानी मेरे प्यारे बच्चे एक ये वाली कहानी कि मैंने जो आपसे कहा था मैं इस बोर्ड को ओपन बुक कर लेता हूँ मेरी वाली कहानी पर आ जाओ मैंने आपसे क्या कहा था जरा कहानी पे आओ मेरी वाली पे मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कौन बनेगा तो योग्यताएं क्या होंगी कौन बनाएगा तो मैंने कहा उस पर हमने डिस्कशन किया कि न्यायाधीश कौन बनाएगा ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों कि न्यायाधीश कौन बनाएगा इसमें हमने डिस्कशन सारी की सारी चीजों का किया आइए हम आगे बढ़ते हैं <coughs> आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब ये देखते हैं कि अब तो हमने देखा जजों की नियुक्ति कैसे होती है अब देखो कि सीजीआई की नियुक्ति कैसे होती है जो मुख्य न्यायाधीश है उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है क्योंकि ये भी एक बहुत ही मेन मुद्दा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीजीआई कैसे होगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ सी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी एको भारत के संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर कोई भी बात नहीं कहेगी इस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली मौन है अब क्यों मौन है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ यह कहा गया है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कॉलेजियम व्यवस्था बनी हुई है कैंसिल है लेकिन लेकिन अब बात यह आई कि सीजीआई जी को नियुक्ति कौन करेगा तो सीजीआई को लेकर कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बनाया गया सिर्फ एक बात कही गई सीजीआई का 1950 से लेकर 1950 1950 से लेकर और 1973 तक एक ही बात चल रही थी प्रथा ये थी कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जैसे चौंतीस हैं उसमें जो सीनियर मोस्ट जजेस है जैसे सी जी बना हुआ एक्ट तो जो नीचे वाला होगा वो पहले वाला हटेगा नीचे वाला बन जाएगा तो उसी को ही प्रमोशन मिलता रहेगा जो सर्वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही मुख्य न्यायाधीश बन जाया करेगा ये ट्रेडिशन चल रहा था 1950 से लेकर मतलब जब से सुप्रीम कोर्ट बना और 1973 सेवनटी थ्री तक ये बात चलते चली आ रही थी अब साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं देखो कन्वेंशन वाज वॉलेटेडीन सेवनटी अब ये जो प्रथा चल रही थी इस प्रथा को तोड़ा गया उन्नीस में अब हुआ क्या मैं आप बात की कहानी सुनाता हूँ इस बात को जरा ध्यान से समझना कि सीजीआई की नियुक्ति वही हो रही थी जो सीनियर मोस्ट था उसे सी बना देते थे जैसे मान लो पहला वाला रिटायर किया दूसरा वाला सी बन गया लेकिन मैंने कहा था केजवानंद भारती केस के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो जुडिशरी को लेकर बड़े पंगे हो गए और बड़े पंगे हो गए तो नाइनटीन में ये जो प्रथा चल रही थी इस प्रथा को इस कन्वेंशन को क्या किया इस प्रथा को वॉयलेट कर दिया और 1973 में जस्टिस श्री ए एन रे ए ए एन रे का नाम है अजीत नाथ रे अजीत नाथ रे को अपॉइंट किया गया मुख्य न्यायाधीश इनके नीचे के तीन न्यायाधीशों का जो थे उनको छोड़कर मतलब उनका उल्लंघन कर दिया उनको सुपरसीड कर दिया मतलब ऐसे हुआ यूँ समझने का प्रयास करना कि जैसे ये समझो कि उन्नीस में ये समझना ये यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश थे सेकेंड थे थर्ड थे फोर्थ थे पांचवा तो इस पांचवे को डायरेक्टली यहां पहुंचा दिया गया अजीतनाथ नाथ रे को और जो तीन न्यायाधीश थे जस्टिस हैगड़े हो गया जस्टिस ग्रोवर हो गया इन तीन न्यायाधीशों का ठीक है इनका क्या हुआ इनका उल्लंघन कर दिया गया तो आप यहाँ देखोगे नाम मेंशन है ये शीतलैत तो हो गया ग्रोवर हो गया जस्टिस हैगड़े हो गया ये जो है मनी जी इन तीनों न्यायाधीशों का क्या हुआ इन तीनों न्यायाधीशों का बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर उल्लंघन कर दिया गया जस्टिस हैगड़े तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं जस्टिस के एस हैगड़े ये तो राज्यसभा के सदस्य भी रहे बाद में लोकसभा के मेंबर भी रहे और जस्टिस के एस हैगड़े वो हैं जो बाद में आप ये जानते होंगे कि सतहत्तर के जब चुनाव हुआ के बाद जब उनका उल्लंघन कर दिया गया तो इन तीनों ने रिजाइन दे दिया था इन्होंने ग्रोवर साहब ने भी हैगड़े साहब भीड़े तीनों ने रिजाइन दे दिया था रिजाइन के बाद क्या हुआ हैगड़े साहब वापस चले गए और सतर में जब सरकार आई जनता पार्टी की तो हैगड़े साहब ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा तो लोकसभा के सदस्य बन गए और आप ये जानते हैं कि नाइनटीन सेवनटी सेवन में नीलम संजीव रेड्डी साहब जो थे वो लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे लेकिन में नीलम संजीव साहब रेड्डी के साथ ऑप्शन आया कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो नाइनटीन सेवन सेवन में नीलम संजीव रेड्डी साहब हटने के, के बाद जस्टिस हैगड़े जी जस्टिस केस जी, के एस हैगड़े जी लोकसभा के अध्यक्ष भी बने तो एकमात्र जस्टिस रहे जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे बाद में लोकसभा के सदस्य बने फिर लोकसभा के स्पीकर भी बने जस्टिस के एस हैगड़े बड़े फेमस व्यक्ति थे इस बात से आहत हुए थे भयंकर लेवल पे आहत हुए थे इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया था अब यह पहली बार हुआ कि वरिष्ठ न्यायाधीश को प्रमोट नहीं किया गया और जस्टिस जो अजीतनाथ रे थे क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट के पक्ष में बात सुनाई थी इसलिए इनको प्रमोट कर दिया गया बात यहीं तक नहीं रही तो यहाँ एक कन्वेंशन जो था ये बॉलेट किया गया बाकी बनता वरिष्ठ न्यायाधीश है इसके बाद देखोगे तो दूसरा जो मामला था एक मामला आया था एम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला नाइनटीन ये केस था इस केस में मैंने बताया था पहले वाला केस था कि उन्नीस में जिन लोगों को के टाइम में जेल में डाला गया उन पस, उन पर हमारी जो रेटे corpus, बंदी वो लागू नहीं हो रही थी तो लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया ये फैसला सुनाया कि नहीं सरकार जो है वो उन्हें बंद रख सकती है लागू नहीं होगी एक जस्टिस थे एच खन्ना जस्टिस एच खन्ना जस्टिस एच खन्ना सरकार के विरोध में और 1977 में फिर से यही हुआ कि जस्टिस एच आर खन्ना जिन्होंने सरकार के विरोध में फैसला सुनाया था जस्टिस एच आर खन्ना को प्रमोट नहीं किया गया और जस्टिस एच आर खन्ना को प्रमोट न करने की बजाय उनके ऊपर जो जज उनसे जो जूनियर जज हुआ करते थे ये एम बी वेग जो साहब थे जस्टिस एम यू वेग जस्टिस एम यू वेग जो हैं जस्टिस एम यू वेग को प्रमोट कर दिया गया और एच आर खन्ना साहब को यहाँ पर एच हाँ आर खन्ना साहब ने फिर यहाँ से रजान दे दिया तो अब तक दो बार ऐसा हो गया कि जुडिशरी में सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं उनका भी वॉलेशन हो जाता है और ऐसा ऐसे काम हो जाते अब इसके लिए भी कोई भी कोई फिक्स कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया अब तक ये हो रहा है इसके बाद से कभी भी कोई सीनियर मोस्ट जजेस का वॉल्यूशन नहीं हुआ और जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जैसे चीफ सीजीआई के जो नीचे होते हैं जो वरिष्ठ न्यायाधीश की जो प्रथा चली आ रही है उसी प्रथा को फॉलो किया जा रहा है तो वही वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का उसी को प्रमोट करके जो है ये चीफ जस्टिस बनाया जाता है यहाँ पर मित्रों ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी तो ये यहाँ पर एक पॉइंट था मुझे लगता है आज की क्लास का आपका समय भी हो गया धुआंधर आपने प्यार भी बरसाया है ग्यारह बज चुके हैं ग्यारह बज चुके हैं मतलब मैं दो घंटा क्लास ले गया क्या है मेरे प्यारे दोस्तों क्लास की टाइमिंग मेरी एक घंटा थी मैं आपको दो घंटे पढ़ा गया मुझे बताया क्यों नहीं टेक्निकल टीम आप लोगों ने यार चलो मुझे पता नहीं चला मैं फ्लो फ्लो में पढ़ा गया यार कोई इशू नहीं है ठीक है टू आवर्स की मैंने क्लास ले ली कल से क्लास की टाइमिंग एक ही घंटे नौ से दस की है मुझे पता नहीं चल पाया था आज तो मैं टॉपिक को यहीं रोकता हूँ अभी ठीक है इस टॉपिक को मैं यहीं रोकता हूँ आप मुझे बता देते एक बार ठीक है चलिए तो आगे नहीं बढ़ते हम यही रोकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास के लिए आप सबने जो प्यार दिया उसके लिए तह दिल से धन्यवाद मैं चाहता हूँ कि कल आपकी संख्या बढ़े और हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नीचे लिंक है उस लिंक से एप्लीकेशन का लिंक होगा वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम का लिंक होगा ठीक है और हाँ इस चैनल वगैरह को जो भी तुम्हें करना है वो कर लो यार दोस्तों से बता दो जो करना हो जो भी आपको करना है संख्या वंख्या दिखानी दिखा दो ठीक है मिलते हैं अगली क्लास में इसी स तरीका से मस्त रहना स्वस्थ रहना और खुश रहना और ज़बरदस्त तंदुरुस्त रहना ठीक है मिलते हैं बाबा नमस्कार जय हिंद